हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए, अल्टरनेटिंग करंट तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्टरनेटिंग करंट है ना, शॉर्टकट में एसी। तो हम लोग बेसिकली एसी का फास्ट रिवीजन करेंगे क्विकली। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग एसी जनरेटर और एसी डायनेमो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप एसी जनरेटर कह लो या एसी डायनेमो, तो बेसिकली एसी जनरेटर कह लो या एसी डायनेमो कह लो, एक ही बात होता है। तो एसी जनरेटर क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता, बट इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो करंट पास करेगा वो अल्टरनेटिंगली वेरी करेगा, टाइम के साथ एक तरफ बढ़ता जाएगा फिर डिक्रीज होके जीरो, फिर उल्टे डायरेक्शन बढ़ता जाएगा फिर डिक्रीज होके जीरो, यानी करंट ऐसा लगेगा टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा है, वोल्टेज ऑसिलेट करेगा, है ना। तो एसी जनरेटर यही काम करता है, एसी को जनरेट करता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली एसी जनरेटर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एसी जनरेटर, ये आपका ये मैग्नेट होता है, मैग्नेट का एक पोल यहाँ पे हमने दिखाया, लेट अस सपोज नॉर्थ पोल, और ये आपका जो है दूसरा मैग्नेटिक पोल है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका दूसरा मैग्नेटिक पोल है, ठीक, ये इसे आप साउथ पोल बोल लीजिए, और यहाँ पे ये हमारा ये आर्मेचर कॉइल है, आप इसे कॉइल बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, ये आर्मेचर कॉइल है, ओके, ये देखिए ये और ये, ध्यान दीजिएगा, ये आर्मेचर कॉइल है और ये एक्सेल है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेल, ठीक है, ये एक्सेल है हमारा, है ना, इसके ऊपर ये कॉइल जो है वो माउंटेड होता है, मतलब फिटेड होता है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो सिलेंडर होते हैं, आराम से यही बना दे रहा हूं, ठीक है, तो ये बेसिकली बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, दो सिलेंडर होते हैं, ये कार्बन ब्रश लगा होता है यहाँ पे, ये सिलेंडर होता है जो कि ये जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये वायर इस सिलेंडर से अंदर से कांटेक्ट में रहेगा, जैसे ये सिलेंडर है तो अंदर से कांटेक्ट में रहेगा ताकि ऐसे से घूम सके, और फिर इसके यहां पर ये दूसरा सिलेंडर हम बनाएंगे, ये हमारा सिलेंडर, ये और ये देखिए, बिल्कुल आराम से, बहुत सिंपल डायग्राम है, कोई इसमें खास बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है, ये सिलेंडर और ये वायर यहाँ कनेक्ट है, ठीक है, ये कार्बन ब्रशेज होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, एक्सेल है हमारा, ये एक्सेल तो चल ही रहा है, ये एक्सेल है, ठीक है, इसी एक्सेल पर ये फिटेड होता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक स्प्रिंग लगा देना है, दीज आर कॉल्ड कार्बन ब्रशेज, और उसके बाद एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, यहाँ पर हमें एसी वोल्टेज मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे कोई रजिस्टर कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो इस तरह से ये एसी जनरेटर होता है, इसमें क्या होता है, हम इसे घुमाते हैं ऐसे करके, जब ये कॉइल घूमता है, यू समझो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे समझो, तो जब क्वाइल घूमता है ऐसे करके, तो क्वाइल घूमने से क्वाइल के एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से यहाँ पर जो वोल्टेज क्रिएट होता है, जैसे आप ईएमएफ बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो जो वोल्टेज होता है वो इस तरह से वेरी करता है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसे एसएचएम का इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ना इस तरह का वोल्टेज क्रिएट होता है, दिस इज द पीक वोल्टेज, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जितनी कॉइल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वही यहां पर ओमेगा है, टी इज द टाइम और फाई इज द इनिशियल फेज। तो ये बेसिकली एसएचएम का बिल्कुल इक्वेशन है, जहां पे आप वी नॉट को बोलते हैं पीक वोल्टेज, वी नॉट को आप बोलते हैं पीक वोल्टेज, ठीक है, ये पीक वोल्टेज होता है, क्लियर, या वोल्टेज एम्पलीट्यूड भी आप इसे बोलते हैं, तो ये आपका वोल्टेज एम्पलीट्यूड होता है, आराम से बड़े प्यार से, आराम से बड़े प्यार से, ये वोल्टेज एम्पलीट्यूड होता है। अगर मैंने इसे कहेगा तो इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं एसी वोल्टेज, क्या बोलते हैं,
एसी वोल्टेज। अच्छा, तो इसे एसी जो वर्ड है वो अल्टरनेटिंग बताता है। एसी का फुल फॉर्म आपको आपके मन में आता है अल्टरनेटिंग करंट, बट नहीं, एसी जब आप बोलते हो इट मीन्स ओनली अल्टरनेटिंग। एसी वोल्टेज मीन्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज, नॉट अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज बोलना है। एसी मतलब सिर्फ अल्टरनेटिंग है, ठीक है। ये पहले से एसी से बोलते आ रहे, तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग बना दिया गया। अब उसके बाद अगर मैं करंट बोलूं कि अगर सर्किट आप कंप्लीट करते हो, जैसे कोई रजिस्टर या कोई बल्ब लगाते हो, तो करंट का भी इक्वेशन इसी तरह का होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, और यहाँ पे फाइव डैश लिख देता हूँ, जरूरी नहीं कि इसका जो इनिशियल फेज हो इसका इनिशियल फेज हो, तो फाइव डैश लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आई नॉट को हम लोग बोलते हैं पीक करंट। क्या बोलते हैं आई नॉट को? पीक करंट या करंट एम्पलीट्यूड, पीक करंट या करंट एम्पलीट्यूड, ध्यान दीजिएगा, पीक करंट या करंट एम्पलीट्यूड। ये हमारा जो है, ये देखिए एसी जनरेटर, ये वोल्टेज क्रिएट करेगा, इसी वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं एसी वोल्ट, ठीक है, एसी वोल्टेज, और इस करंट को बोलते हैं एसी करंट। क्लियर हो गया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ईमानदारी से, सब कुछ ठीक, सब बढ़िया, ईमानदारी से चलो आओ भाई। तो अब हम लोग देख चुके हैं कि एसी वोल्टेज का इक्वेशन ऐसे लिखना है, करंट का इक्वेशन ऐसे लिखना है, ठीक है। सभी लोग ध्यान से बड़े प्यार से। अब यहां पर सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि एसी सोर्स यानी एसी जनरेटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ध्यान दीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, और इस तरह से रिप्रेजेंट करते एसी सोर्स को। याद रखिएगा एसी सोर्स के अंदर आपको पता है क्वाइल होता है जो घूमता रहता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, उसी क्वाइल को घुमाने के लिए हम लोग पानी को ऊपर से छोड़ते हैं तो वो टरबाइन व्हील को घुमाता है, तो ये क्वाइल घूमता है। तो अपन ने आपको ध्यान रखना है, एसी सोर्स को ऐसे दिखाते हैं, एसी सोर्स में एक तरफ टर्मिनल में ऐसा नहीं बोलना कि वैसा पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अगर मैं बोलूं ये V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो देखिए अगर मैं इसका टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसे होगा, ये टाइम, ये V, और देखिए इसका ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि इक्वेशन मैंने ऐसा माना तो ऐसा होगा, दिस इज द पीक वोल्टेज, है ना, ये पीक वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब होता है कि पहले हाफ साइकिल में, इसको हाफ साइकिल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल बड़े आराम से, और इसे बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, घबराना नहीं भाई, बहुत सिंपल है, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो बेसिकली क्या होता है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल हो सकता है ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे और ये टर्मिनल लो पोटेंशियल पे हो, जैसे हाई टर्मिनल पे और ये लो पोटेंशियल पे, और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, जिधर नेगेटिव था उधर जाएगा पॉजिटिव, जिधर पॉजिटिव था उधर नेगेटिव। इसीलिए यहाँ पे एसी सोर्स का कोई एक टर्मिनल फिक्स्ड पोटेंशियल पे हो ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर हम कोई प्लस माइनस नहीं दिखाते हैं, जबकि हम डीसी सेल में क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये प्लस ये माइनस, ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, बट एसी सोर्स में ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो गया? फिर सुनिए, अब यहां पे बेसिकली हम देख रहे हैं कि चूंकि वोल्टेज वेरिएबल है, या अगर मैं सर्किट कंप्लीट कर दूं तो करंट वेरिएबल है, ठीक है, तो यहां पर हमें एवरेज वैल्यू निकालना होता है, एवरेज वोल्टेज और करंट, एवरेज वोल्टेज, पहले मैं एवरेज वोल्टेज देख लेता हूं, है ना, तो एवरेज वोल्टेज पहले देखना है कि एवरेज वोल्टेज क्या। तो बेसिकली यहां पर ये इस तरह का मान लीजिए इक्वेशन है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये एसी सोर्स इस तरह का वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी एवरेज वैल्यू, तो ध्यान रखिए एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं वी डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, है ना। जैसे ये कैसे आया, तो जैसे मान लीजिए आपने बचपन में पढ़ा होगा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेसिकली क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो मान लीजिए बॉडी की स्पीड किसी टाइम पे वी है, अब उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर लो कि डी टी टाइम में इतनी डिस्टेंस हल्की सी छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करी, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करी वी डी टी,
स्पीड इंटू डी टी, डी टी मतलब बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, वी डी टी इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बन जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डी टी का इंटीग्रेशन। तो मुझे स्पीड का एवरेज वैल्यू चाहिए, तो स्पीड किसी टाइम पर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो एवरेज स्पीड चाहिए तो वी डी टी अपॉन डी टी। उसी तरह एवरेज वोल्टेज चाहिए तो किसी टाइम पर वोल्टेज डी टी और इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। या फिर इसको आप ऐसे भी बोलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, या फिर आप बोलते हैं एरिया ऑफ वी टी ग्राफ यानी वोल्टेज और टाइम का ग्राफ अपॉन टाइम, ऐसे भी आप बोलते हैं एरिया ऑफ वी टी ग्राफ। देखिए वी डी टी का इंटीग्रेशन एरिया ऑफ वी टी ग्राफ बताता है अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन मतलब टाइम बताता है। ओके, अब यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपनी खोपड़ी लगाओ तो यहां से यहां तक इसको बोलते हैं फुल साइकिल। क्या बोलते हैं? फुल साइकिल। ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल मिलाकर फुल साइकिल। इसमें ये जो टाइम होता है ये टी बाई फोर होता है, ये जो टाइम होता है टी बाई टू होता है, ये जो टाइम होता है थ्री टी बाई फोर होता है, ये जो टाइम होता है वो टी होता है। यानी एक साइकिल को घूमने में टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगता है ना, जैसे कॉइल घूम रहा है तो एक पूरा फुल टर्न में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड, आधा घुमा हाफ टाइम पीरियड है ना। तो फुल साइकिल में अगर आप देखो तो जितना एरिया पॉजिटिव है उतना ही एरिया नेगेटिव है, तो टोटल क्या हो जाएगा? जीरो। तो इन फुल साइकिल एवरेज वैल्यू इज जीरो, यानी इन फुल साइकिल एवरेज वोल्टेज होता है जीरो, है ना। तो पहले तो एवरेज वोल्टेज पूछता है तो बोलते हैं फुल साइकिल में तो भैया जीरो होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया, तो टोटल एरिया कुल मिलाकर जीरो हो गया। तो फुल साइकिल में एवरेज वोल्टेज जीरो होता है। हमेशा हम जो वोल्टेज निकालते हैं एवरेज वैल्यू, वो हाफ साइकिल में निकालते हैं, आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल या आइदर नेगेटिव हाफ साइकिल, है ना। तो हम आइदर, तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन में बोलता है एवरेज वोल्टेज निकालो तो हम अंडरस्टूड है कि हाफ साइकिल में निकलेगा, या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल। सो एवरेज वोल्टेज ऑलवेज डिफाइंड इन हाफ साइकिल, एवरेज वोल्टेज ऑलवेज डिफाइंड इन, एवरेज वोल्टेज ऑलवेज डिफाइंड इन हाफ साइकिल। चलो भाई ये तो हाफ साइकिल में डिफाइंड होता है, ये बात अब समझ में आ गई है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ठीक है भाई आधे साइकिल में ही डिफाइंड होता है। अब जरा सुनिएगा, तो यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं बड़े आराम से। अब हाफ साइकिल में एवरेज वोल्टेज कितना होगा? तो वी एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है, वी की वैल्यू लिखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी, सपोज दैट वोल्टेज किसी टाइम पर, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, इनटू डीटी, और आधे साइकिल में तो जीरो से टी बाई टू अपॉन डी टी कंडीशन टोटल टाइम, जो कि हाफ साइकिल में तो टी बाई टू कर लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा एवरेज वोल्टेज कितना आ जाएगा? टू वी नॉट बाई पाई। तो देखिए एवरेज वोल्टेज आएगा टू वी नॉट बाई पाई। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब वोल्टेज एसी वोल्टेज का इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी या वी नॉट कॉस ओमेगा टी हो तो भी यही इक्वेशन आता है, ये फॉर्मूला बनता है टू वी नॉट बाई पाई। इसके अलावा ना साइन लगाओ या कॉस लगाओ, साइनसोडियल हो या कोसाइन हो तब ये फॉर्मूला लगता है, अदरवाइज कोई एसी है उस वो ट्रायंगुलर में ऐसे में है ऐसे जा रहा है तो इस केस में फॉर्मूला नहीं लगेगा। हम लोग को जनरली यही पूछता है तो फॉर्मूला याद रखते हैं। अगर इसमें कहेगा तो यहाँ पर वी का, यहाँ पर जो है टाइम के साथ वी का अपना एक इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से सिमिलरली अगर मेरे से कहता है, ध्यान देना, सिमिलरली अगर मेरे से कहता है एवरेज करंट बताइए, एवरेज ही लिख देता हूँ शॉर्टकट में, तो एवरेज करंट अगर कहता है, ऑब्वियस सी बात है एवरेज करंट हाफ साइकिल में डिफाइंड होगा, फुल साइकिल में जीरो हो जाएगा। तो आई एवरेज की वैल्यू तो अपन लोग बोलेंगे टू आई नॉट बाई पाई। वी नॉट क्या है? पीक वोल्टेज या करेंट वोल्टेज एम्पलीट्यूड। आई नॉट क्या है? करेंट एम्पलीट्यूड। तो ये आई एवरेज, फिर से ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब करेंट का इक्वेशन साइन में हो या कॉस में हो, अदरवाइज किसी अनदर फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फिर वो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया? चले भाई आगे बढ़ते हैं। ये तो था एवरेज वोल्टेज जो कि ऑलवेज डिफाइंड इन हाफ साइकिल, ठीक। आइए देखिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे भैया वोल्टेज जो है वो वेरी कर रहा है तो एवरेज वैल्यू तो हम लोग समझ गए। अब एक नया टर्म डिफाइंड किया गया है, आरएमएस वोल्टेज या करंट, आरएमएस वोल्टेज एंड करंट।
आरएमएस वोल्टेज एंड करंट है ना। तो आरएमएस वोल्टेज एंड करंट क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, डीसी करंट और डीसी वोल्ट को मेजर करने के लिए हमारे पास अमीटर है, वोल्ट मीटर है। लेकिन वो जो डीसी अमीटर और डीसी वोल्ट मीटर होता है, जो सिर्फ डीसी करंट मेजर करता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। अगर वो वोल्ट मीटर और अमीटर तुम घर में जो एसी सप्लाई हो रहा है, एसी करंट वायर में फ्लो रहा है, एसी वोल्टेज है, अगर वो डीसी अमीटर वोल्ट मीटर यहां यूज कर लोगे तो रीडिंग सब जीरो आ जाएगी, क्योंकि वो डीसी अमीटर वोल्ट मीटर, लैंग्वेज ध्यान देना, स्पेशल वर्ड बहुत जरूरी, डीसी अमीटर डीसी वोल्ट मीटर फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू देता है, और इन फुल साइकिल द एवरेज वैल्यू इज जीरो। इसलिए यहां पर उनकी रीडिंग जीरो आएगी। आपको लगेगा अरे डीसी अमीटर ने तो रीडिंग जीरो दिया, करंट नहीं जा रहा है, जबकि छू के देखो झटका मारेगा बहुत सही वाला। तो यहां पे दरअसल हम लोग एसी अमीटर और एसी वोल्ट मीटर बनाते हैं। अब ये जो एसी अमीटर और एसी वोल्ट मीटर है, वो दरअसल वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। तो पॉइंट नंबर वन, यहां से हमें ये चीज मिलता है कि एसी अमीटर एंड वोल्ट मीटर, ध्यान देना है, एसी अमीटर एंड वोल्ट मीटर, एसी अमीटर एंड वोल्ट मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। तो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है भाई। चलो ठीक, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। इसकी डेफिनेशन है बहुत सिंपल, इसकी डेफिनेशन तो बेसिकली ये बोला गया, ये कोई वायर है, यानी ये कोई रजिस्टर है, ठीक है, ये कोई रजिस्टर है। अब इसमें तुम एसी करंट भेजो, क्या भेजो, एसी करंट। अब एसी करंट तुमने भेजा टी टाइम तक, अब इसने हीट एनर्जी प्रोड्यूस करा इस रेजिस्टर में, वो नोट कर लो, मान लो एच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है एसी। अब यहां पर उसी रेजिस्टर से डीसी करंट भेजना है, डीसी इज अ कॉन्स्टेंट करंट, इस तरह का अमाउंट ऑफ करंट भेजना है इसी रजिस्टर से, आर है तो आर, ताकि सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे। यानी कि अगर यहां 2 जूल एक घंटे में प्रोड्यूस करता है, तो यहां भी 2 जूल एक घंटे में प्रोड्यूस करता है। तो इसी डीसी करंट को हम लोग एसी का आरएमएस करंट कहते हैं, है ना। इसी डीसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएमएस करंट। आरएमएस करंट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल करंट। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल करंट। हो सकता है क्वेश्चन में बोले वर्चुअल करंट सॉल्व करो, तो आपको क्या सॉल्व करना है, आरएमएस करंट सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग जैसा कि जानते हैं व्हाट इज वर्चुअल करंट, तो वो वर्चुअल करंट मतलब आरएमएस करंट, वो कांस्टेंट करंट होता है, वो डीसी करंट होता है जो सेम टाइम में सेम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है जितना एसी प्रोड्यूस करेगा। यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय डीसी इक्वल टू हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय एसी। अब डीसी के द्वारा हीट एनर्जी, तो ये कांस्टेंट करंट है, तो इसमें तो सिंपली होता है आई स्क्वायर आर टी, इसको आई आरएमएस लिख देता हूं, आई स्क्वायर आर। और मान लो वन फुल साइकिल में निकालते हैं, एक साइकिल में निकालते हैं, दो साइकिल में निकाल सकते हैं, हजारों साइकिल में निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल बहुत सारे हैं ना। तो मान लीजिए वन साइकिल में निकालते हैं टी, यहाँ चक्कर नहीं है कि वन साइकिल में सर पॉजिटिव हाफ है नेगेटिव हाफ है कट के जीरो, वहां एरिया थोड़ी ना है, आई आरएमएस है, ये अलग चीज है। एवरेज वैल्यू नहीं निकालते कि एरिया देखना होता, आरएमएस में एरिया नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे या एसी, ये तो वेरिएबल है जो कि आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेट अस सपोज करंट ये दिया हुआ है, लेट अस सपोज वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन का सारा लेते हैं आर डी टी, इंटीग्रेशन जीरो से टी। इस पूरे को सॉल्व करते जब हम, तो वी हैव आई आरएमएस की वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू, क्या होता है आई नॉट बाई रूट टू, तो पीक करंट कितना होगा, आई आरएमएस कितना होगा, पीक करंट अपॉन रूट टू। उसी तरह से सिमिलरली अगर मेरे से कहेगा आरएमएस वोल्टेज बताओ, तो क्या बोलेंगे, वी नॉट बाई रूट टू। तो इस तरह से हमने आरएमएस करंट भी देखा, फॉर्मूला आई नॉट बाई रूट टू, और वी आरएमएस भी देखा, वी नॉट बाई रूट टू। बट ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये सब जब करंट और वोल्टेज में जो इक्वेशन होगा वो साइन या फिर कॉस होगा, तो धड़ल्ले से ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जनरली यही पूछता है, हमें यही चीजें पढ़नी है, तो हम यही पढ़ रहे हैं, आई नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू, क्लियर। चलिए भाई, अच्छा तो ये था आरएमएस वोल्टेज एंड करंट। अब आते हैं बिल्कुल प्यार से, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से सुनना। यहां पे
इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एसी अमीटर एंड वोल्ट मीटर, एसी अमीटर एंड वोल्ट मीटर जो हम लगाते हैं, ये तो भैया चलो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है ना, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, ये वैल्यू देगा क्या? एसी अमीटर एंड वोल्ट मीटर ऑलवेज मेजर्स आरएमएस वैल्यू, ऑलवेज मेजर और आरएमएस वैल्यू, ऑलवेज मेजर आरएमएस, आरएमएस का फुल फॉर्म था रूट मीन स्क्वायर, है ना, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर, है ना, जैसे कुछ लोग ऐसे निकालते हैं, अच्छा आईआरएमएस निकालना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, अच्छा मीन, मीन मतलब एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन डीटी अपॉन डीटी, और फिर बोलेंगे रूट, अच्छा रूट ले लो, ये हो जाएगा, ऐसे करते हैं। और मैं आपको बेहतर तरीका ये सिखा रहा हूं कि आप हमेशा ऐसे किया करो, एच डी सी अपॉन एच ए सी, डी सी से जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है एसी से, ये आई आर में इसका स्क्वायर कर लो आर टी, और ये इंटीग्रेशन करके बनाया करो, है ना, मतलब स्क्वायर करा आर डी टी और लिमिट ले लिया, सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे करो या ऐसे करो दोनों बात एक ही है, बट इसमें क्या होता है थोड़ा अजीब सा लगता है, ये ठीक रहता है, बाकी कंफर्टेबल है, जिसमें आपको अच्छा फील हो वो कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अब सुनिए, तो ये आपका ऑलवेज मेजर द आरवेज वैल्यू, जैसे कभी बोले ये एसी सोर्स है और आपको लिखा रहे 200 वोल्ट है, ठीक है, और ऐसे लिखा रहे 20 हर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा क्या है आरवेज वोल्टेज है, ये हमारा क्या है आरवेज वोल्टेज है, ये कैसे पता लगाया होगा, तो यहां पर वोल्ट मीटर कनेक्ट किया होगा पैरेलल में, ये कौन सा वोल्ट मीटर है, एसी वोल्ट मीटर, किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, ये क्या मेजर करता है, ऑलवेज आरएमएस वैल्यू, तो कुछ नहीं बोलेगा, वोल्ट मीटर लगाएगा भी नहीं, ऐसे दे देगा एसी सोर्स 200 वोल्ट, तो क्या बोलेंगे आरएमएस वोल्टेज। अगर कहीं पर बोल देता है ये रजिस्टर है इसमें एसी करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो ये कौन सा करंट हुआ, तो हम बोलेंगे सर ये आरएमएस करंट है, ये बेसिकली आरएमएस करंट है, कुछ नहीं बोला, बस बोला यार वो कैपेसिटर से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो आप बोलेंगे अरे वो अमीटर ने 2 एम्पियर बताया, तो ये आरएमएस करंट है बेसिकली, क्लियर। फिर ये देखिए ये क्या बताता है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखिए एसी सोर्स में क्वाइल घूम रहा है उस क्वाइल की फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी मालूम, मुझे ओमेगा की जरूरत पड़ गई तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ करके क्वेश्चन को हम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी 20 रखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकल जाएगा, क्लियर। फिर सुनिए, हम लोग यहां पर अक्सर हमारे इंडिया में जो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, कितनी है 50 हर्ट्ज। अच्छा देखिए घरों में हम बोलते हैं कि सर वो 220 वोल्ट की सप्लाई हो रही है हमारे घरों में, तो देखिए हमारे घरों में 220 वोल्ट है, जैसे पंखे के दोनों टर्मिनल में 220 वोल्ट, बल्ब के दोनों टर्मिनल के बीच में 220 वोल्ट, तो वो बेसिकली क्या है आरएमएस वोल्टेज है ना, बोलते हैं ना अरे यार हमारे घर में 220 वोल्ट है, वोल्टेज 220 वोल्ट की सप्लाई है, वो 220 वोल्ट एक्चुअली में नहीं है, वो तो वेरी कर रहा है 0 से 220, 220 0, फिर उल्टे डायरेक्शन 0 से 220 माइनस 220, मतलब सॉरी 220 नहीं है वो, तो एवरेज वैल्यू 220, पीक वैल्यू क्या है अगर ये निकालने को बोलेगा, तो बोलेंगे सर ये तो वी आर एम एस है, और वी आर एम एस की वैल्यू कितना होता है वी नॉट बाई रूट 220, तो वी नॉट बराबर आएगा 220 इंटू रूट 2, अप्रोक्सीमेटली ये 311 वोल्ट आएगा, 311 वोल्ट, 311 वोल्ट यानी 311 वोल्ट तक जाएगा, 0 से 311 वोल्ट तक, सोचो ना ये फैन है मालूम ऊपर फैन लगा है, तो 0 से बढ़ते बढ़ते 311 वोल्ट, फिर घटते घटते 0, फिर उल्टे डायरेक्शन में 311 वोल्ट, फिर 0, ऐसे करके वैरी करता है, मतलब अगर मैं वेरिएशन दिखाऊं ग्राफ में तो ऐसे वैरी करता है जिसमें ये 311 वोल्ट तक जाता है, 220 वोल्ट तो किसी टाइम पर मिलता है ना, ये नीचे की तरफ भी माइनस 311 वोल्ट, तो ये कहानी है बेसिकली, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, डोंट घबराना वबराना, घबराना नहीं भाई, घबराना नहीं भाई, बहुत सिंपल है, आओ आगे बढ़े, चलो 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 आज बढ़ना होगा, आज आगे बढ़ना होगा, आओ मिटाएं, आओ मिटाएं, चलो आगे बढ़े। अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोलिंग एलिमेंट्स, है ना, कंट्रोलिंग एलिमेंट्स, एसी करंट को कंट्रोल करने में कौन कौन से एलिमेंट्स हम यूज करते हैं,
जैसे देखिए डीसी सर्किट में करंट को बढ़ाना या घटाना है तो रेजिस्टर को अपन लोग चेंज कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम कर दोगे करंट सेल से ज्यादा जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे करंट कम जाएगा। तो डीसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए ओनली रेजिस्टर यूज होता है, लेकिन एसी सर्किट में अगर करंट को कंट्रोल करना है तो थ्री एलिमेंट्स यूज होता है। रजिस्टर तो होता ही है, सेकेंड कैपेसिटर यूज करते हैं, और यहाँ पे थर्ड है इंडक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंडक्टर। तो ये इंडक्टर यूज करते हैं। तीन ऐसे एलिमेंट है जिसकी मदद से हम एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करते हैं। ओके चलिए भाई, तो पहले हम लोग रजिस्टर की बात करेंगे बड़े मजे से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा बड़े प्यार से, एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, मतलब क्या लिखा है? एसी सर्किट जिसमें क्या है? सिर्फ रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर है और ये हमारा एसी सोर्स है। लेट अस सपोज एसी सोर्स से जो वोल्टेज मिल रहा है वो सपोज दैट वी नॉट साइन ओमेगा टी है। किसी टाइम पे करंट मैंने ऐसे दिखाया, मेरे से कहेगा भाई बताओ करंट की पीक वैल्यू बताओ। तो देखो किसी टाइम पर अगर एसी के अक्रॉस वोल्टेज भी है तो पैरेलल में कनेक्ट है, उतना ही वोल्टेज यहाँ भी होगा। अगर मुझसे कहेगा करंट बताओ तो आई इक्वल टू लिखेंगे वी बाई आर, करंट हो जाएगा वी नॉट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, इससे हम बोलेंगे सर पीक करंट की वैल्यू अगर पूछा जाए हमसे कि बताओ सर इसमें पीक करंट कितना होगा, तो पीक करंट होगा आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर। देखो ये टर्म पीक करंट को बता रहा है। दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ पे वोल्टेज का फेज क्या है? ओमेगा टी। करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी। दोनों का फेज क्या है? सेम, यानी करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या होता है? सेम फेज का मतलब क्या होगा? जिस समय वोल्टेज जीरो करंट भी जीरो, जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम पॉजिटिव में मैक्सिमम तो करंट भी पॉजिटिव में मैक्सिमम। ऐसा लगता है जैसे वोल्टेज मेरा राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड करंट है, तो साथ में जीरो साथ में मैक्सिमम फिर जीरो फिर साथ में उल्टे डायरेक्शन मैक्सिमम फिर जीरो, साथ में ऑसिलेट कर रहा है। सेम फेज, क्या बोलते हैं इसे? सेम फेज। यहां पर हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। शायद अभी फेजर डायग्राम आपको लगेगा यूजलेस है, अभी क्या यूज है सर, तो ये धीरे धीरे आगे अच्छा होता जाएगा और ये एक अच्छा मेथड बन जाता है सर्किट को सॉल्व करने का। फेजर डायग्राम इमेजिनरी डायग्राम है, इसमें कही गई बातें इमेजिनरी है और ये सत्य घटनाओं से मतलब प्रेरित है, लेकिन इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, है ना। मार्जिन डायलॉग क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए तो फेजर डायग्राम में क्या होता है, करंट वोल्टेज रेजिस्टर सबको वेक्टर मान लिया गया है। इसमें क्या होता है, अपने मन से ये एक्स और वाई एक्सिस खींच लो, जरूरी नहीं एक्स और वाई दिखाई दो। इसमें क्या होता है, मान लो करंट वाला ये वेक्टर है, करंट वाला वेक्टर ये है, तो करंट को एक वेक्टर की तरह दिखाना है। ये जो करंट होगा वो वेक्टर की तरह आपने एज्यूम कर लिया। अब जो वोल्टेज है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में है तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन दिखाएंगे। अगर कोई एंगल होगा फेज में तो कोई एंगल दिखाएंगे, जैसे वो लोग करंट और वोल्टेज में फेज में 90, तो 90 डिग्री के एंगल दिखाएंगे। सेम फेज में है, अच्छा फेज डिफरेंस जीरो है तो दोनों बीच का एंगल जीरो दिखाएंगे। तो यहां पर जिधर करंट उधर ही वोल्टेज वाला एरो बना देते हैं। ठीक है, अभी आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी तो यूजलेस लग रहा होगा सर क्या है, कुछ नहीं इसमें। ठीक है, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक चलिए भाई, तो ये मिटा रहा हूं बड़े आराम से। अब यहां पे ये तो हमने रजिस्टर में कहानी पढ़ ली। ठीक, आइए मुंडी ऊपर करें और ध्यान से मेरी बातों को सुने। अब यहां पर मैंने जो है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, है ना, एसी सर्किट में मैंने लगाया कैपेसिटर। ध्यान से सुनिएगा, एसी सर्किट में मैंने लगाया कैपेसिटर, तो
तो ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी सी है, ठीक है। अब यहां पे एसी सोर्स लगाओगे तो जितना वोल्टेज यहाँ उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा। अब मुझसे कहेगा करंट की वैल्यू बताओ सर, तो करंट सॉल्व करने के लिए हम लोग बोलेंगे सर क्यू इक्वल टू होता है सी वी, किसी समय कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है तो क्यू इक्वल टू सी वी। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर वोल्टेज की वैल्यू रखूंगा, वोल्टेज कितना है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो सी वी नॉट और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, है ना। इसको टी मान के चला, साइन टी का कॉस ओमेगा टी, फिर इसका डिफरेंस ओमेगा, टी का डिफरेंस वन हो गया, तो आई इक्वल टू हो गया वी नॉट अपॉन वन बाई ओमेगा सी लिख देता हूं इंटू, और कॉस को मैं बदल देता हूं साइन में, और जब कॉस को साइन बदलेंगे तो 90 डिग्री एड होगा, 90 डिग्री को पाई बाई टू लिखते हैं। इससे ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी जैसा टर्म है। तो पहला इंफॉर्मेशन यहां पर मिलता है कि पीक करंट कितना होगा, तो पीक करंट जो होगा हमारा वो होगा आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वन बाई ओमेगा सी। आप पीक करंट की वैल्यू ऐसे याद रखेंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल टू वी नॉट ओमेगा सी। देखते रहिएगा, यहां पर एक टर्म डिफाइन किया गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ध्यान से कैपेसिटिव रिएक्टेंस ध्यान दीजिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, जैसे आप सोचिए इससे पहले आपने जब रेजिस्टर यहां खाली लगाया था, सिर्फ रेजिस्टर, तो वी नॉट बाई आर लिखा था, तो वी नॉट के नीचे वाला टर्म रेजिस्टेंस यानी करेंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नीचे ऑब्स्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करता है। यहां पर देखिए वी नॉट अपॉन वन बाई ओमेगा सी, दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन यानी करंट के रास्ते में रुकावट को रिप्रेजेंट करता है। इसी रुकावट में कैपेसिटर ने जो करंट के रास्ते में रुकावट प्रोड्यूस करा, पैदा करा, उसी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्ट मतलब कैपेसिटर द्वारा जो करंट के रास्ते में अवरोध होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और उसे हम लोग एक्स सी से दिखाते हैं, और ये वन बाई ओमेगा सी होता है। यही वन बाई ओमेगा सी को एक्स सी से दिखाते हैं, ओमेगा को आप टू पाई एफ भी लिखते हैं, टू पाई एफ सी। यहां पर इसकी यूनिट होगी ओम, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम लिखना है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लो एसी की फ्रीक्वेंसी लो है, लो फ्रीक्वेंसी, तो एक्स सी हाई हो जाएगा, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो एक्स सी लो हो जाएगा। ऐसा लगता है हाई फ्रीक्वेंसी में रुकावट कम पैदा करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हाई पास फिल्टर। कैपेसिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, अगर कभी ग्राफ प्लॉट करने को आएगा, मान लीजिए जैसे बोलेगा फ्रीक्वेंसी और एक्सी का ग्राफ, तो अपन लोग इसको ग्राफ को याद रखेंगे, ठीक है, कि ये एक्सी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। ओके, अभी का बात खत्म नहीं हुआ, पूरी बात अभी बता रहा हूं, अब मिटाऊं। अच्छा चलिए इधर मिटा दे दो, अभी यहां पे काम करें कुछ। अच्छा देखिए, सब लोग ध्यान दीजिएगा बड़े प्यार से, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन एक्स सी, है ना, पीक करंट की वैल्यू वी नॉट अपॉन एक्स सी, एक्स सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब अगर फेज डिफरेंस बोलूं तो यहां पर फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, करंट का फेज, और वोल्टेज का फेज कितना, ओमेगा टी, तो बताओ फेज डिफरेंस कितना है, तो पाई बाई टू का है, जिसमें करंट पाई बाई टू आगे है, पाई बाई टू आगे मतलब ये चीज जीरो, ये वोल्टेज है यहां पे, तो करंट आगे 90 डिग्री आगे, मतलब ये ऑलरेडी पहले ही पीक पर पहुंच चुका है। अब ये यहां से यहां पहुंचे उतनी देर में यहां पहुंच जाएगा, ये यहां से उतने देर में ये जीरो पे आ पाएगा, जबकि ये उल्टा होकर के मैक्सिमम हो चुका है, फिर ये यहां आएगा तो ये यहां आएगा, फिर ये यहां से यहां, फिर ऐसे 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 चलता रहेगा ना। तो यहां पर करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, वोल्टेज बाई पाई बाई टू, काम की बात है सुनते रहिएगा, यानी करंट वोल्टेज से आगे रहता है, जब वोल्टेज जीरो है तो करंट पीक पर रहेगा, ऐसे समझो। अब यहां पर अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, क्या बनाऊं, फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम में क्या होता है, बहुत ध्यान से, फेजर डायग्राम में मैंने बताया ऐसे खींच लो, प्लस का साइन मतलब एक्स और वाई एक्सिस की तरह समझो, करंट मैंने इधर दिखाया, तो वोल्टेज जो है वो वोल्टेज वाला वेक्टर सेम डायरेक्शन ही होगा, क्योंकि यहाँ फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री, तो 90 मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना है, लेकिन
वोल्टेज यहां पर पीछे है, करंट आगे, तो जो आगे वो एंटी क्लॉकवाइज में आगे रखना है। जैसे करंट यहां पर है, अब जो पीछे है तो पीछे मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको पीछे बनाइए। यहां से 90 डिग्री पीछे गए, 90 डिग्री पीछे, तो ये वोल्टेज हो जाएगा। कैपेसिटी के बाद वोल्टेज को वीसी लिख देता हूं, थोड़ा ठीक लगेगा, वीसी ये लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, या वी लिख लीजिए, चलिए ठीक है, आई बात समझ में। तो ये इस तरह से फेजर डायग्राम हम लोग बनाते हैं, धीरे धीरे आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक, तो ये कैपेसिटर वाली बात समझ में आ गई, ठीक, याद रखना है। अब उसके बाद एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, अब सॉरी इंडक्टर, अब हम लोग क्या रखेंगे, रेजिस्टर तो हो गया था ना, तो अब इंडक्टर करेंगे ना भाई, ध्यान देने वाली बात है। अब यहां पर हम लोग इंडक्टर जो है वो लगा देंगे। अब देखिए इंडक्टर यहां पर ऐसे दिखाते हैं, है ना, एक तरह का सोलेनोइड जिसका इंडक्टेंस है एल, तो यहां पर वोल्टेज V, तो यहां भी वोल्टेज कितना होगा V। चलो भाई अब मेरे को यहां पर बोलेगा जैसे स्विच ऑन किया वोल्टेज V और V यहां आ गया, तो अब बताओ इससे करंट का इक्वेशन क्या होगा, पीक करंट क्या होगा, ऐसे पूछेगा। तो बोलेंगे सर यहां जो वोल्टेज होगा वो क्या माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, क्या आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो डी आई बराबर हो जाएगा माइनस वी की वैल्यू होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, देखिए डी आई रखा है एक तरफ, डी टी को उठा के इधर करेंगे, वी की वैल्यू रख दिया इंटू डी टी अपॉन एल, और इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, फाइनली सॉल्व होके, डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, फाइनली सॉल्व होके हमारे पास आएगा आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन, ध्यान से, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। यानी ये जो है करंट होगा, जिसमें फिर से मैं वही बात करूंगा, देखो सब ये सब लर्न कर लो, याद कर लो, ये सब जरूरी है, ठीक है, अब डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पे पीक करंट कहेगा तो हम बोलेंगे सर पीक करंट यहाँ पे हमारे को आई नॉट इक्वल टू, देखिए पीक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, या कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं, जैसे देखिए पहली टर्म सुन लीजिए, यहां पर बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोगों को समझना होता है, क्या समझना होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंस मतलब रुकावट, इंडक्टिव मतलब इंडक्टर के द्वारा जो रुकावट आता है करंट के रास्ते में, और जाहिर सी बात है वी नॉट अपॉन जो ये टर्म है वो ऑब्स्ट्रक्शन को बता रहा है, यहां पर एक्स एल लिखते हैं जो कि ओमेगा एल, या आप इसे 2 पाई f × l लिखते हैं, आ रही बात समझ में, यहां पर ऑब्वियस सी बात है इसकी यूनिट ओम में होगी। अच्छा देखिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी लो कर दूं तो एक्सएल क्या हो जाएगा, लो, यानी ये लो फ्रीक्वेंसी वाले को पार होने, तू पार हो जा भैया, इसे से बोलते हैं लो पास फिल्टर, कैपेसिटर को बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, हाई पास फिल्टर, और इंडक्टर को लो पास फिल्टर, ये लो मतलब लो फ्रीक्वेंसी को पार होने देगा, फिल्टर मतलब पास होने देगा, ओके। इसका ग्राफ अगर कभी आएगा, जैसे ये फ्रीक्वेंसी और ये एक्सेल है, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये सब ध्यान रखना भैया, बहुत जरूरी है, ठीक, आगे बढ़ूं। अच्छा इसी में भाई अभी और बात करनी है, बड़े प्यार से, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहां पर देख रहा हूं वोल्टेज का फेज कितना है ओमेगा टी, और करंट का फेज कितना है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो कौन पीछे और कौन आगे है, तो बोलेंगे सर करंट ना 90 डिग्री पीछे है, यानी वोल्टेज आगे है और करंट पीछे है, अब इसको यहां पर लिखेंगे करंट लैग्स, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, पाई बाई टू के एंगल से फेज से वोल्टेज पीछे, सॉरी करंट पीछे है, ठीक है, अब तो ऐसे याद रखो इंडक्टर है, जब भी करंट जाएगा तो इंडक्टर बोलेगा भाई ऐसे कैसे, इंडक्शन होगा अपोज करेगा, तो सोचो करंट पीछे हो गया वोल्टेज आ गया, ये ऐसे याद रखो। कैपेसिटर करंट बोलेगा आओ, करंट पास हो जाएगा तो करंट लीड करेगा, और इंडक्टर करंट जाएगा तो इंडक्टर बोलेगा ऐसे कैसे, रुक जा, करंट
तो करंट पीछे हो जाता है, वोल्टेज आगे हो जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। तो यहां पे इंडक्टर में करंट पीछे हो जाएगा, वोल्टेज आगे हो जाएगा, कितना अंतर रहेगा, डिफरेंस कितना रहेगा, 90 डिग्री का, यानी पाई बाई टू। ठीक, इसमें फेजर डायग्राम बनाओ, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में ऑब्वियस सी बात है, ओ फेजर पूरा लिखो, ये करंट वाला मान लो वेक्टर ऐसे बना दिया, कौन आगे है, वोल्टेज आगे है, करंट पीछे, जो आगे उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर की तरफ दिखाओ, 90 डिग्री है भैया, 90 डिग्री आगे है, तो वोल्टेज वाला वेक्टर ये बना देंगे। आई बात समझ में, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, क्लियर हो गया। तो ये इंडक्टर है, तो हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, हमने पढ़ा कैपेसिटर, हमने पढ़ा इंडक्टर। रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस जीरो, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है और करंट लीड करता है, करंट आगे आगे चलता है। इंडक्टर में करंट पीछे होगा, वोल्टेज 90 डिग्री आगे होगा, यानी करंट इसमें पीछे रहेगा इंडक्टर के अंदर। क्लियर हो गया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक, चलिए अब यहां पे हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान से, गौर से, ध्यान से, गौर से, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से देखो। अब हम लोग बात करेंगे सीरीज एसी सर्किट पे, किस पे बात करेंगे, सीरीज एसी सर्किट। तो देखो भैया, सीरीज एसी सर्किट में क्या होगा, ये जो एलिमेंट हमने पढ़े तीनों, इनको सीरीज में लगा देगा, जैसे इनमें से कोई दो को पहले सीरीज में लगाएगा, फिर तीनों के तीनों सीरीज में लगा देगा। तो ऐसे केस में हमें करंट की वैल्यू वगैरह पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, ठीक है, कुछ नए टर्म सीखेंगे और मेथड भी सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहां पर सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज सर्किट लिख देता हूं, ठीक है, सीरीज सर्किट। अब यहां पर आपको एसी सोर्स कनेक्ट करना है, चलो भाई एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए एसी सोर्स की वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सर्किट का रिएक्टेंस बताएंगे, क्या सॉल्व करेंगे, रिएक्टेंस। व्हाट इज रिएक्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, नॉट रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर मिलकर करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करते हैं उसी को बोलते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस सॉल्व, रिएक्टेंस को एक से दिखाना, सॉल्व कैसे करेंगे, एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस होगा। पता है इंडक्टर और कैपेसिटर में ना एक दूसरे की अपोजिट पार्टी होती है, इंडक्टर बोलता करंट तू जा, कैपेसिटर बोलता रुक जा, तो क्या होता ना, दोनों एक साथ मिल करके अपोज नहीं करते, कोई एक सपोर्ट करता तो कोई एक अपोज करता, पहला वाला अपोज करे तो दूसरा वाला सपोर्ट करता। तो इसलिए कभी भी रिएक्टेंस पूछता है सर्किट का तो एक्सएल और एक्ससी का डिफरेंस लेते हैं। एक्सएल को ओमेगा, ये डिफरेंस का साइन है, जो बड़ा उसको आगे और जो छोटा उसको पीछे। तो ये ऐसे, अभी मैंने माना कि ओमेगा बड़ा है, वन बाई ओमेगा सी भी बड़ा सकता, तो उसको आगे ओमेगा पीछे लिख देंगे। रिएक्टेंस सर्किट का सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग इंपेडेंस सॉल्व करते हैं, इंपेडेंस सॉल्व करते हैं, इंपेडेंस को हम लोग जेड से दिखाते हैं। इंपेडेंस का मतलब होता है पूरे सर्किट ने, जिसमें इंडक्टर कैपेसिटर पूरा शामिल हो गया, तीनों शामिल होकर के करंट के रास्ते में जो टोटल ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं, टोटल रुकावट, उसको बोलते हैं इंपेडेंस। और ये सॉल्व कैसे करेंगे सर्किट का इंपेडेंस, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब रिएक्टेंस, ठीक है, और रिएक्टेंस हम लोग ये तो देख ही रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको चाहो तो लिख दो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का मतलब ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हमारा इंपेडेंस ऑफ द सर्किट हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग सर्किट में जो करंट फ्लो रहा उसका पीक करंट आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। दो काम करने के बाद ना समझो कि अब तो बहुत कुछ काम हो ही जाएगा, अब सारे काम आसान हो गए। पीक करंट, अगर पीक करंट कहता है तो आई नॉट बराबर लिखना है वी नॉट अपॉन जेड, ओम्स लॉ लगाना है बिल्कुल, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, जेड की वैल्यू आप पुट कर लेंगे, सॉल्व करके हो जाएगा भैया पीक करंट। फिर अगर मेरे से कहता है फेज डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा, फेज डिफरेंस मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस, ठीक है। देखो फेज डिफरेंस कैसे सॉल्व करना है, देखना ध्यान से, यहां पर एक ट्रिक मेथड लगाना है, ट्रिकी मेथड, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, यहां पे दिखाना है फाई, फाई के सामने वाला जो साइड उससे रिएक्टेंस बताना है, ठीक है, ये रिएक्टेंस यानी परपेंडिकुलर रिएक्टेंस, बेस में रेजिस्टेंस दिखाइए और हाइपोटेनस में इंपेडेंस दिखा दीजिए। अब देखना है, अच्छा साइन फाई पूछ रहा है
तो साइन फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन जेड। एक्स हमने निकाल लिया पहले ही यहां पे, कॉस फाई कहेगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर अपॉन जेड, टेन फाई अगर कहेगा तो क्या लिखेंगे एक्स अपॉन आर, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन। इस तरीके से फाई की वैल्यू, जैसे साइन फाई आया 1/2 सॉल्व करके, तो फाई की वैल्यू 30 डिग्री, सिंपली। तो इससे फाई निकला। अब सवाल उठता है सर इससे ये तो पता चल जाएगा कि करंट और वोल्टेज में फेज का डिफरेंस क्या है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है, ये कैसे पता चलेगा? तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए सब न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए ओमेगा इज लो, ओमेगा अगर लो होता है, ध्यान दीजिएगा ओमेगा क्या है, लो, तो ओमेगा के कम होने से एक्सी की वैल्यू, देखिए एक्सी क्या होता है 1/ωc, एक्सी की वैल्यू जाती है हाई, एक्सी की वैल्यू जाती है हाई, और एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाती है ओमेगा एल के अनुसार लो। ओमेगा कम है तो एक्सी की वैल्यू स्मॉल आएगी, एक्सएल की वैल्यू स्मॉल आएगी। तो क्या होता है बेसिकली, आप यहां पे मैं सब बोलो रिएक्टेंस सॉल्व करो, तो आप क्या करोगे बड़े में से छोटा को घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप बोले सर एक्सी बड़ा एक्सएल छोटा है, तो डोमिनेंट कौन हुआ एक्ससी, कैपेसिटर। और कैपेसिटर क्या बोलता है करंट टू पार्कर, यानी कैपेसिटर क्या करेगा करंट का फेज आगे बढ़ा देगा और वोल्टेज का फेज पीछे कर देगा। तो अब इस केस में बोलेंगे इफ ओमेगा इज लो देन, यानी यानी इसका मतलब दिस इंप्लाइज एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, कभी भी एक्सी बड़ा और एक्सएल छोटा, तो उस केस में देन करंट लीड्स, यानी करंट का फेज आगे होगा। 90 डिग्री नहीं होगा यहां पे, क्योंकि खाली कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर होता तब 90 डिग्री होता है, कैपेसिटर भी इंडक्टर भी है रेजिस्टर भी है, इसलिए आपको बोलना है करंट लीड करेगा कितना, ये फेज डिफरेंस फाइन निकाल लेंगे। और उसके बाद अगर ओमेगा हाई है, अगर ओमेगा हाई है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बताओ ओमेगा हाई होने से क्या होगा एक्सी लो एक्सएल हाई, तो एक्सएल हाई होने का मतलब एक्सएल जब भी बड़ा होगा एक्सी से तो आपको बोलना है करंट लैग, करंट भैया पीछे हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर करंट का अपोजिट है भैया, इंडक्टर करंट का हमेशा अपोज करता है यार, इसे इंडक्टर बेचारा लैग हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट के साथ कंफ्यूजन रहता है कौन आगे कौन पीछे, किसका फेज आगे किसका फेज पीछे, तो ये अपन ऐसे डिसाइड करते हैं। ओमेगा जैसे हाई फ्रीक्वेंसी, अच्छा हाई फ्रीक्वेंसी एक्सेल ज्यादा, इंडक्टर का डोमिनेंट है, इंडक्टर की का पूरा चलेगा मामला, इंडक्टर बोलेगा करंट तू पीछे हो जा वोल्टेज तू आगे हो जा, तो इसलिए करंट लैग हो जाएगा। क्लियर? फिर सुनिए, सुनते रहिएगा, काम की बात कर रहा हूं, काम की बात कर रहा हूं। चलो भाई आगे बढ़ो, चलो भाई आगे बढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो। चलो ध्यान देना, जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको समझो। देखो अगर मैं यहां पर बोलूं, इसी में ही अगर मैं बोलूं ये इंडक्टर है ये कैपेसिटर रेजिस्टर है, और कभी मेरे से बोले कि सर यहां पे ना ये एसी सोर्स है, ठीक है सीरीज में है, तो यहां पे देखिए यहां पर मैंने लगाया अमीटर, अब सॉरी वोल्टमीटर, अब वोल्टमीटर पैरेलल लगाया जिसका रीडिंग आया वीएल, तो VL क्या होगा RMS वैल्यू होगा, क्योंकि वोल्टमीटर RMS वैल्यू मेजर करता है। फिर मैंने यहाँ वोल्टमीटर लगाया जो कि कैपेसिटर के पैरेलल में है, तो ये रीडिंग क्या दे रहा है VC क्या है RMS वैल्यू। फिर यहाँ पे ये वोल्टमीटर लगाया ये क्या देगा VR मतलब क्या हुआ वोल्टमीटर यानी कि RMS वैल्यू। अगर कभी AC सोर्स की RMS वैल्यू दी जाए इंस्टेंटेनियस नहीं, इंस्टेंटेनियस में क्या होगा कि इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज इक्वल टू होगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर एसी सोर्स, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा किसी टाइम पर वो तीनों वोल्टेज के सम के इक्वल होगा, लेकिन आरएमएस वैल्यू है ये, तो उस केस में और ये भी आरएमएस है तो वी स्क्वायर बराबर होगा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। या तो V बराबर निकालना है तो आप इसको रूट में ले लो, इधर रूट कर दो इधर, ये रूट में आता है। ये क्या है RMS वैल्यू अक्रॉस द रेजिस्टर, RMS वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, RMS वैल्यू अक्रॉस द कैपेसिटर, इंस्टेंटेनियस नहीं, इंस्टेंटेनियस में तो तीनों को जोड़ोगे तब V के बराबर आएगा, और वहां V जो आएगा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, ये तो V RMS वोल्टेज है। क्लियर? यहां भी एक वोल्टमीटर लगा वो V रीडिंग दिया है, क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना आपको हमेशा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर देखो बड़े मजे से, बड़े
मजे से। यहां पर अगर ये रेजिस्टर है, अगर मुझसे बोलेगा आरएमएस करंट, आई आरएमएस पास हो रहा है, आई आरएमएस मिल गया, आरएमएस वोल्टेज बताओ, तो तुरंत करना है ओम्स लॉ से आई आरएमएस इंटू आर सिंपली। अगर ये कैपेसिटर है, आरएमएस करंट इससे पास हो रहा है और बोलेगा भैया आरएमएस वोल्टेज बताओ, अच्छा आरएमएस वोल्टेज, तो ओम्स लॉ से आई आरएमएस इंटू एक्स सी लिखना है यहाँ पे, ओम्स लॉ ही चलेगा। I इंटू आर, आर यानी ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे एक्स सी होता है, इंडक्टर है, आई आर एम एस करेंट फ्लो गया मालूम है, आर एम एस करेंट मालूम है, मान लो आर एम एस वोल्टेज जाएगा, वी आर एम एस अक्रॉस द इंडक्टर, आई आर एम एस इंटू एक्स एल कर लेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, कभी न्यूमेरिकल में ये जरूरत पड़ेगा तो थ्योरी क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल बन जाएगा। चलो भाई आगे बढ़े, इसी टॉपिक में ये अभी चल रहे हैं भाई, कहीं जा नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे भैया। अब देखो इसका फेजर डायग्राम, जो भी चीजें हमने जो पढ़ा वो बेसिकली फेजर डायग्राम से ही आया था, है ना, जो भी चीजें अभी टर्मिनोलॉजी मेथड पढ़ा वो सब इसी फेजर डायग्राम से बेसिकली आया है। आप उससे पूछ सकते हैं ना, सर इम्पीडेंस वाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना, ये सब कुछ देखो कैसे आया, फेजर डायग्राम से ही आया है। तीनों सीरीज में अगर है तो करंट वाला, करंट सेम जाएगा तो करंट वाला वेक्टर ऐसे बना लेंगे। अब इसमें रेजिस्टर लगाया था, रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, ये हमने आपको पहले फेजर डायग्राम बताया था। कैपेसिटर में करंट आगे और वोल्टेज पीछे, जो पीछे है उसको इधर की साइड क्लॉकवाइज में पीछे बताना है, नहीं नीचे बना दिया 90 डिग्री। और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज आगे होता है करंट से, आगे इधर की साइड 90 डिग्री, ये VL है। ठीक है, आप यहां पे ऐसे भी बना सकते हैं, देखिएगा सभी लोग, ये करंट है जिधर वी आर है, चूंकि करंट तीनों में सेम जाएगा इसलिए करंट वाला एरो फिक्स कर रखा है, ठीक है ना। अब वी आर रेजिस्टर, तो वी आर की जगह आप रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं, जहां वी सी है वहां आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिखा सकते हैं, जहां इंडक्टर है वहां आप इंडक्टिव रिएक्टेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये ओम, ये भी ओम, ये भी ओम, इन तीनों का रिजल्टेंट इंपेडेंस कहलाएगा। देखो ना, जैसे पहले ये दोनों अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर जो रिजल्टेंट इनका आएगा वो इसके साथ परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट का फॉर्मूला लगेगा तो इंपेडेंस आ जाएगा अपने आप। यहाँ पे वी आर वोल्ट में, वोल्ट में, वोल्ट में, इन तीनों को सॉल्व करोगे आरएमएस वोल्टेज क्लियर हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा आरएमएस वोल्टेज, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फेजर डायग्राम, ये सारा चीज जो मैंने बताया, इंपेडेंस, पीक वैल्यू, फिर उसके बाद फेज डिफरेंस निकालना, वो सब इसी से है। देखो यहाँ फेज डिफरेंस देखो कैसे निकाल सकते हैं, मान लो कैपेसिटर का वोल्टेज बड़ा है, मान लो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे, रेजिस्टेंस इधर, ये नीचे, तो इसका रिजल्टेंट करंट अपना अलग समझो, ये और इन दोनों का डिफरेंस मान लो नीचे आया, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, सर करंट के पीछे चला गया, सर ये फेज डिफरेंस वाई से पीछे चला गया, है ना। तो सब कुछ फेजर डायग्राम से निकाला गया है, बट हमें फॉर्मूला याद रखना है और काम करना है। ठीक है, चलो तो भैया ये तो हमने समझा, अब देखिए इसको मैं अलग अलग करके समझाता हूं जिससे चीजें और क्लियर होंगी, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी बी हैप्पी। अब जैसे मैं बोलूं सीरीज, ओए सीरीज का स्पेलिंग तो ठीक से लिखो, सीरीज आरसी एसी सर्किट, ठीक है, यानी एसी सोर्स लगाना है इसलिए एसी सर्किट नाम बोल रहे हैं, यानी सीरीज में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होगा और यहां पे एसी सोर्स होगा। ठीक है, बोलो क्लियर। अप्लाइड वोल्टेज मैंने माना वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, जरा पानी पी लूं, पानी पी लो, पानी पी लो, और हमारा मार्कर भी प्यासा है यार, हमारा मार्कर भी प्यासा है, इसको भी तो थोड़ा सा दो चार बूंद बेचारे को पानी पिला दो, और ये हमारा मार्कर पानी पी के रेडी, और अब शुरू हो जाओ। चलिए, ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, माइक काम कर रहा है, ओके डन, वेरी गुड। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में, ये हमारा एसी सोर्स है। सबसे पहले ऐसे इसमें क्वेश्चन कभी भी आता है, पहला काम हमें सॉल्व क्या करना है, यहां सॉल्व करता हूं, रिएक्टेंस बताओ भाई, रिएक्टेंस तो बोलेंगे सर एक्सएल माइनस एक्सी होता है, एक्सएल तो है नहीं, अच्छा ये इंडक्टर नहीं लगा है, नहीं लगा है, तो एक्स की वैल्यू फिर एक्सी की इक्वल होगी, दैट इज 1/ωc। चलो सर बढ़िया, अब क्या करें सर, इम्पीडेंस सॉल्व कर लो, इम्पीडेंस
सॉल्व कर लो, इम्पिडेंस कितना होता है जल्दी बताओ। जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। अच्छा वाह, वेरी गुड। अच्छा तो पीक वैल्यू बताओ। लो भाई पीक वैल्यू भी तुम ले लो, पीक करंट ले लो, है ना, पीक करंट लिख देता हूँ, पीक करंट ले लो, ले लो ले लो पीक करंट ले लो। आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड, जेड की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आ जाओ फेज डिफरेंस बताओ। फेज डिफरेंस बताने के लिए हमने पढ़ा है एसी ट्रायंगल बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, एसी ट्रायंगल, सामने फाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, फाई के सामने इधर एक्स, इधर आर, इधर जेड। अरे वाह क्या बात है सर, तो क्या करें सर, साइन फाई कॉस फाई को जो भी कहे, अरे यार कॉस फाई निकालो। चलो कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड, जेड पता है रख देंगे, फाई निकल गया, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, अच्छा कौन आगे होगा, करंट आगे कि वोल्टेज आगे? तो बोले सर कैपेसिटर है, इंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर तो करंट को आगे बढ़ा देता है, करंट लीड्स, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस लगा, इसीलिए 90 डिग्री नहीं बोलना है यहाँ पे, बस यहाँ बोलना है करंट, वही तो फेज डिफरेंस यानी कि 60 डिग्री आया, तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। ठीक है, तो करंट लीड्स द वोल्टेज, बोलो ठीक, आसान था, वेरी इजी। फेज डायग्राम खींच के दिखाऊं? चलो फेज डायग्राम खींच के दिखाते हैं। कहाँ खींचूं, यहीं खींचूं? चलो फेज डायग्राम खींचते हैं। चलो भाई फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में बहुत लोगों को कष्ट रहता है, अरे बहुत इजी है यार। देखो फेजर डायग्राम खींच के दिखाता हूँ, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, देखो देखो प्यार से देखो फेजर डायग्राम। क्या दोनों में करंट सेम जाएगा? यस सर, तो करंट का वेक्टर फिक्स। ओके रजिस्टर, अरे रजिस्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज सर सेम फेज में होता है। ओके कैपेसिटर, कैपेसिटर में करंट आगे वोल्टेज पीछे होता है, जो पीछे उसको नीचे, ये हो गया, लो भाई हो गया। अब इन दोनों वोल्टेज का रिजल्टेंट आएगा तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा। देखिए ना, ये करंट और ये वोल्टेज, इन दोनों का रिजल्टेंट इज द नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज मतलब अप्लाइड वोल्टेज। देखो ये करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस, देखो करंट आगे जो आगे उसको ऊपर, जो नीचे उसको पीछे, देखो करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस फाई, यही तुमने फाई एसी ट्रायंगल में सॉल्व किया था। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं बड़े मजे से, करंट का वेक्टर है इधर फिक्स, जिधर वी आर है उधर आर कर लो रेजिस्टेंस, और जिधर वी सी उधर कर लो एक्स सी, और दोनों का रिजल्टेंट इम्पिडेंस कहलाता है। वही इम्पिडेंस का फॉर्मूला लिखा था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, घबराने का नहीं, बहुत ही सिंपल है। ठीक चलो आगे बढ़े, चलो भाई चलो 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 चलो, घबराने का नहीं, इट्स मी इट्स मी, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है डोंट वरी। अब यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल आर सर्किट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एल आर सीरीज, एल आर एसी सर्किट, यानी ये एल आर सीरीज सर्किट है, इंडक्टर भी होगा और रेजिस्टर भी होगा। लो इंडक्टर को लगा देते हैं एल। ठीक है, घबराने का नहीं, बहुत सिंपल चल रहा है। ठीक, ओ भाई साहब थोड़ा आगे आ जाइए, आप थोड़ा आप आगे आ जाइए जिससे बच्चों को आप ठीक से दिख जाए। ठीक है चलो, अब यहाँ पे एल आर सर्किट है सीरीज में। ठीक, अब यहाँ पे एल आर सर्किट के अंदर सबसे पहले रिएक्टेंस, तो क्या हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू एक्स एल, एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल। ओके आओ इम्पिडेंस की बात करें, इम्पिडेंस वाले भैया आ जाओ, इम्पिडेंस वाले भैया आ जाओ, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, अच्छा है भाई। अब तो भैया पीक करंट ले लो, पीक करंट ले लो। हे भैया पीक करंट कितना हो जाएगा? ले लो थोक के भाव में ले लो वी नॉट अपॉन जेड, जेड की वैल्यू रखेंगे सॉल्व हो जाएगा पीक करंट। आरएमएस करंट कहेगा तो आई नॉट बाई रूट टू। ठीक, फिर सुनो 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 मेरी बात सुनो, पीक करंट के बाद अगर बोले चलो सर फेज डिफरेंस निकालो, सर छोड़ो सब कुछ फेज डिफरेंस निकालो, क्या सिखाया है फेज डिफरेंस में? ए सी ट्रायंगल, सामने एक्स नीचे आर बेस में आर जेड, बताओ टेन फाई कॉस फाई, चलो कॉस फाई का मन कर रहा कॉस फाई निकालो, टेन फाई का मन करे टेन फाई निकालो। ओके कॉस फाई आर बाई जेड, कौन आगे कौन पीछे? बोले सर इंडक्टर है, करंट का वैसा ये अपोज करता है। तो बोलेंगे क्या, करंट लैग्स, बेचारा करंट लैग हो गया, 90 डिग्री हो गया। नो सर,
यही तो फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं यहाँ पे आप। यहाँ पर करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, क्या बात है, मजा आ गया। आगे बढ़े प्यार से सर, आपको मजा आ रहा, हमें कहाँ आ रहा मजा। अच्छा भाई सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, बहुत आसान है। आइए फेजर डायग्राम बनाएं। लो भाई फेजर डायग्राम, आज तुम्हें फेजर डायग्राम बनाना होगा। आज हम बनाएंगे, करंट ये होगा, वी आर ये होगा, सिखाया है रेजिस्टर का वोल्टेज सेम फेज होता है, इंडक्टर का वोल्टेज आगे रहता है, जो आगे उसको ऊपर की साइड बनाओ 90 डिग्री, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। इसलिए देखो करंट और वोल्टेज का फेज फाइ, यही हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इसमें ऐसे भी बना सकते हैं, ये करंट हो गया, इधर रेजिस्टेंस हो गया, ये VL है तो इधर इसको XL कर लो, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट इंपेडेंस जो कि सेम फाई एंगल पे ही रहेगा, ठीक है। डोंट घबराना वबराना, डोंट घबराना वबराना, डोंट घबराना वबराना, इतना घबराते क्यों हो भाई। अच्छा अब एक बात सुनिए, इस LR सर्किट को हम लोग चोक कॉइल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चोक कॉइल। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो? चोक कॉइल, यानी जब इंडक्टेंस बड़ा हो, ठीक है। चोक कॉइल, तो चोक कॉइल का मतलब अगर क्वेश्चन में लिखता है चोक कॉइल, डोंट वरी, चोक कॉइल का मतलब LR सर्किट ही होता है, LR सीरीज AC सर्किट, ठीक है। आपको यही फील करना है, यही सर्किट आपको इमेजिन करना है, ठीक है। फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ इमेजिनेशन, तो LR सीरीज AC सर्किट आपको इमेजिन करना है, जिसमें L बहुत बड़ा होगा, रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा, ठीक है। इंडक्टेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम होगा, उस केस में इसको चोक कॉइल बोलते हैं। ये क्या होता है? पावर बचाने में बड़ा काम आता है, पावर कंजम्पशन थोड़ा कम कर देता है, तो घर में पावर कंजम्पशन कम कर देगा, ट्यूबलाइट चल रहा है लेकिन पावर कंजम्पशन कम आ रहा है, तो कितनी अच्छी बात है, ठीक। आइए आगे बढ़े। आओ मिलके पढ़ें, आओ मिलके पढ़ें। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीरीज LC सर्किट। देखो सीरीज LC AC सर्किट, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो L और C दोनों सीरीज में लगे रहेंगे, ये हमारा सीरीज LC सर्किट है, ये इमेजिनरी सर्किट होता है। क्यों? क्योंकि भैया एक बात बताओ, रेजिस्टेंस है ही नहीं। अरे भैया ऐसा थोड़ी ना होगा, वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ तो रेजिस्टेंस होना चाहिए था, तो इसलिए इसे बोलते हैं इमेजिनरी सर्किट। क्या बोलते हैं इसे? इमेजिनरी है भाई, ठीक है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। तो पहले रिएक्टेंस XL माइनस XC, अब पता नहीं इसमें कौन बड़ा है, XL और XC, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, जो बड़ा उसको आगे, जो छोटा उसको पीछे, डिफरेंस का साइन होता है। फिर आइए इम्पिडेंस, ओके इम्पिडेंस, अरे ये क्या, यहां तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जेड इक्वल टू फॉर्मूला तो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अरे यहां तो आर 0 है तो जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर का रूट तो एक्स हो जाएगा, यानी इंपेडेंस एक्स के बराबर होगा, क्या बात है। आइए पीक करंट, पीक करंट, ओ पीक करंट इजी है, पीक करंट कैसे होगा, तो पीक करंट के लिए आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू कितना होगा, एक्स के इक्वल, बहुत बढ़िया। फेज डिफरेंस, बहुत बढ़िया, फेज डिफरेंस आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, फेज डिफरेंस आ जाओ आ जाओ, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एसी ट्रायंगल। आप बोलोगे सर यहाँ तो रेजिस्टेंस है नहीं, मान के चलो ना यार, अभी बाद में देखेंगे ना, ठीक है एक्स। अब आप बोलोगे कॉस फाई, तो आर बाई जेड होता है, अब रखो ना वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है, 0, ओहो 0 है तो 0/z 0, अरे सर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, यानी करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री। अब आप बोले सर कौन आगे कौन पीछे, अरे दोनों है, कैपेसिटर भी इंडक्टर भी, पता कैसे चलेगा सर कि कौन आगे कौन पीछे, तो देखो मुंडी ऊपर कर लो, इफ ओमेगा, अगर ये लो है, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, लो, तो बताओ लो होने पर क्या होता है, एक्सएल छोटा और एक्सी बड़ा होता है ना, एक्सी बड़ा, क्यों, 1/ओमेगा सी होता है, ओमेगा लो तो एक्सी बड़ा, इस केस में करंट लीड या लैग, सर कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है, करंट लीड्स, और अगर ओमेगा ओमेगा हाई है तो बताओ, ये हमने आपको आपको सिखाया भी है पहले भी, दोबारा से हो रहा है, ओमेगा इज हाई, एक्स सेल बड़ा, एक्स सी छोटा, करंट लैग, लेकिन यहाँ 90 डिग्री होगा है ना,
या तो 90 डिग्री पीछे होगा या 90 डिग्री आगे होगा, ठीक, ये समझ में आया, वेरी गुड। यहां पर एक कहानी है, जरा इसे भी समझ लीजिए। यहां पर एक टर्म है रेजोनेंस, क्या पढ़ाने जा रहा हूं इसी में, रेजोनेंस। अब देखो ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, यहां पर एक टर्म होता है रेजोनेंस। क्या टर्म होता है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मतलब होता है ओमेगा इज सच दैट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस तरह से है कि ओमेगा इज सच दैट एक्स बिकम जीरो, यानी सर्किट का रिएक्टेंस जब जीरो हो जाए तो हम उस केस को बोलते हैं रेजोनेंस। जब भी बोले रेजोनेंस, अच्छा रिएक्टेंस जीरो, रिएक्टेंस जीरो। और देखिए रिएक्टेंस जीरो हो गया, तो पहला पॉइंट रिएक्टेंस जीरो हो गया तो इसका मतलब इंपेडेंस जीरो हो गया, क्योंकि इंपेडेंस यहां पर एक्स के बराबर था, याद करो आर था ही नहीं, तो जेड की वैल्यू एक्स के बराबर और एक्स जीरो। अब यहां पर पीक वैल्यू ऑफ द करेंट, तो वी नॉट अपॉन जेड, और जेड जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी पीक करेंट बिकम्स इनफाइनाइट। यानी पता है जिस समय ओमेगा ऐसा हो जाएगा कि रिएक्टेंस जीरो हो गया तो करंट बढ़ते 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 बिल्कुल इन्फाइनाइट पहुंच जाएगा, मतलब अभी 2 एम्पीयर पे जाता था, फिर 0 2 एम्पीयर उल्टे डायरेक्शन 0 से 3 3 से 4, और ये इस ओमेगा पर तो बिल्कुल इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। रेजोनेंस के समय यही कहानी होती है। अगर मुझसे बोलता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या बोलता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बड़े प्यार से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो देखिए एक्स इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब एक्सएल और एक्सी क्या है, बराबर। ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1/LC, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, 1/√LC। ये हुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 1/2π√LC, दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC या 1/f=2π√LC। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, क्लियर। चलो आगे बढ़े, इसमें रेजोनेंस कर्व भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रेजोनेंस कर्व, क्या पढ़ना है जल्दी बोलो, रेजोनेंस कर्व। देखो रेजोनेंस कर्व खींच के दिखाता हूं, घबराना नहीं, अगर सवाल आएगा तो, अगर छोड़ा आपने तो गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंस कर्व में एक्स एक्सिस पे ओमेगा, यहां आई नॉट, यहां आई नॉट, ऐसा होता है ग्राफ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को अक्सर ओमेगा नॉट से दिखाते हैं, ओमेगा नॉट क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ये देखिए ऐसे करके इंफिनिटी। ध्यान दीजिएगा ये पीक करंट है, नॉट करंट एट एनी स्टैंड, ये पीक करंट है, जब ओमेगा कम है तो पीक करंट कम होगा, यानी 0 से 2 एम्पियर। ओमेगा बढ़ाया 0 से 3 एम्पियर तक जाएगा, 3 से 0, फिर बढ़ाया जैसे ही इसके बराबर आया तो आई नॉट आ जाएगा इंफिनिटी। ये आपका रेजोनेंस कर्व है, क्लियर, बहुत सिंपल। आगे बढ़े, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो सीरीज LCR सर्किट, ठीक है, अब सीरीज LCR सर्किट आ गया, यानी यहां पे रेजिस्टेंस भी आ गया, रेजिस्टेंस वाले भैया भी आ गए, इन्हीं की तो जरूरत थी। अब आ गए LCR, वोल्टेज मान लिया, ये रिएक्टेंस यही रहेगा। चलिए इम्पीडेंस सॉल्व करते हैं, अब की बार इम्पीडेंस जेड बराबर √R² + X² एक्स की वैल्यू रख देंगे, इम्पीडेंस निकल गया, पीक करंट निकालेंगे, पीक करंट निकालेंगे, पीक करंट निकालेंगे, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड, बहुत बढ़िया, जेड की वैल्यू रखेंगे पीक करंट भी आ जाएगा। चलो भाई फेज डिफरेंस निकालेंगे, चलो 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 चलो, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो हम लोग AC ट्रायंगल बनाते हैं, फाई फाई के सामने एक्स, इधर आर इधर जेड, कॉस फाई कहेगा अरे यार बहुत सिंपल, टेन फाई कहेगा एक्स बाई आर, साइन फाई कहेगा एक्स बाई जेड, कॉस फाई कहेगा आर बाई जेड, डोंट वरी बी हैप्पी, क्लियर, कौन आगे कौन पीछे, फिर वही कहानी, फिर वही पुरानी कहानी। ओमेगा अगर लो है, डायरेक्ट लिख दूं, ऐसे लिखता हूं, इफ एक्सी अगर बड़ा है तो करंट लीड, करंट लीड, और अगर एक्सी अगर छोटा है, एक्सेल बड़ा है, करंट लैग,
करंट लैग। बोलो क्लियर। आइए अब यहां पर भाई जरा ध्यान से सुने, यहां पर अगर कोई बोले सर यहां पे आरएमएस वोल्टेज है वीसी, सर यहां पे आरएमएस वोल्टेज है वीएल, सर यहां पे आरएमएस वोल्टेज है वीआर, सर यहां पे आरएमएस वोल्टेज है वी, अरे यार तो वी बराबर हमने तो पढ़ा है फॉर्मूला अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। डरने का नहीं, डरने का नहीं। चलो आगे बढ़े। अब इसमें कहानी है, अब इसमें कहानी है फिर से रेजोनेंस की, फिर से रेजोनेंस की। आओ फिर से रेजोनेंस की कहानी सुने। अब ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बोलूंगा। रेजोनेंस बताओ, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? ओमेगा इज सच दैट कि एक्स बिकम जीरो, जेड क्या होगा? यहां तो अंडर रूट होता है ना, आर स्क्वायर तो आर है, तो जेड इक्वल टू आर, दैट इज इंपेडेंस इज मिनिमम। अब आपसे बोलेगा पीक करंट, पीक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वी नॉट अपॉन जेड, और जेड की जगह कितना होगा? आर, तो पीक करंट बिकम्स मैक्सिमम। पीक करंट क्या होता है यहाँ पे? मैक्सिमम हो जाता है। तो यानी रेजोनेंस वो इवेंट है, वो फेनोमेनन है जिसमें रिएक्टेंस बिकम जीरो। कैपेसिटर बोलता है अपोज करेंगे, रिएक्टेंस इंडक्टर बोलता है सपोर्ट करेंगे, दोनों बराबर टकरा के खत्म हो जाते हैं। तो रिएक्टेंस बिकम जीरो, इंपेडेंस केवल आर के बराबर हो जाता है और आई नॉट वी नॉट बाई आर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बोलूं रेजोनेटिंग कर्व, सॉरी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला आपको सेम रखना है, एक्स बराबर जीरो, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितना आएगा? वन अपॉन रूट एल सी, या फिर ओमेगा की वैल्यू तो ये आया, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वन अपॉन टू पाई रूट एल सी। और अगर मान लीजिए मेरे से कहता है रेजोनेंस कर्व बनाओ, तो रेजोनेंस कर्व में एक्स एक्सिस पे ओमेगा लीजिए और वाई एक्सिस पे पीक वैल्यू ऑफ द करंट लीजिए। यहां पर ऐसा होता है कहानी, ये देखिए जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर होता है तो पीक करंट मैक्सिमम होता है, इन्फिनिटी नहीं होता, ये वी नॉट बाई आर हो जाता है, वी नॉट बाई आर हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। और अगर आप इसमें कभी आपको ओमेगा और इम्पिडेंस का अगर आप बोलेगा एलसीआर सर्किट में, ओमेगा को जीरो रखिए, देखिए ओमेगा को आप अगर क्या रखते हैं जीरो, ओमेगा को जीरो रखते हैं तो एक्सी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, तो जेड बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, ओमेगा को जीरो रखेंगे तो एक वैल्यू इनफाइनाइट, जैसे ही एक इनफाइनाइट हुआ लफड़ा हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, ओमेगा जीरो रहने पे ये इन्फिनिटी चल रहा है। ओमेगा की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसके लिए इंपेडेंस सबसे कम होगा और वो आर के बराबर होगा, है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ द जेड इज आर। उसके बाद फिर ओमेगा बढ़ाएंगे तो इंपेडेंस बढ़ते 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 मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगा, भागेगा। ठीक है, ओमेगा बिल्कुल इन्फिनिटी में जाएगा तो जेड इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है इधर ऐसे, फिर ये फैलता हुआ जाएगा। ठीक, चलो भाई आगे बढ़े, घबराना नहीं। इसमें फेजर डायग्राम बता दूं? चलो भाई फेजर डायग्राम भी देख ही लो, फेजर डायग्राम भी देख लो, फेजर डायग्राम भी देख लो। अच्छा मेरे स्टेटमेंट को गौर से सुनना, स्टेटमेंट नहीं सुनोगे ना तो रायता फैल जाएगा, तो स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, यानी वीडियो देखना भी है और अच्छे से सुनना भी है। फेजर डायग्राम में हम लोग करंट तीनों में जा रहा है सेम, तो करंट ऐसे, वी आर आप ऐसे बनाएंगे, कोई बात घबराने की है नहीं, कैपेसिटर वाला वोल्टेज इधर दिखाएंगे, इंडक्टर वाला वोल्टेज इधर दिखाएंगे, तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। जिस समय रेजोनेंस होता है उस समय एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाता है, उस समय अपने आप वीएल और वीसी भी बराबर हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर कभी सर्किट में ऐसे बोलेगा ना, देखो जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, जैसे बोलेगा अरे यार यहाँ पे ना 50 वोल्ट है, अच्छा 50 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट है, अच्छा इसके यहाँ 40 वोल्ट है, अच्छा इसके यहाँ 40 वोल्ट है, बताओ यार ये सर्किट क्या है? तो बोले सर रेजोनेंस में देखो 50 और 50, वी सी इक्वल टू वी एल है सर, जिसका मतलब रेजोनेंस है। ये क्या है? रेजोनेंस है। तो आपको रेजोनेंस के समय ये भी ध्यान देना है कि वीएल और वीसी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, एक्सएल और एक्ससी बराबर, तो वीएल और वीसी भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, नहीं आरएमएस वैल्यू है ये, मत समझना इंस्टेंटेनियस किसी टाइम पर, नो आरएमएस वैल्यू है ये। ओके, अब सोचो ना, जरा दिमाग लगाओ, अगर रेजोनेंस हो गया तो ये और ये कट जाएगा, ओनली वीआर बचेगा,
तो नेट वोल्टेज यही हो जाए, दो वेक्टर ये कट गए, तीसरा ये बचा, ये करंट के पैरेलल। इसलिए एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस अगर आपसे थ्योरेटिकल सवाल पूछेगा तो ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। अगर बोलेगा थ्योरेटिकल सवाल में कि रेजोनेंस के समय करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना होगा, तो बोलेंगे जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों वोल्टेज वाला वेक्टर कट गया, यही बचा केवल, और वो करंट की तरफ ही होता है। तो रेजोनेंस के समय करंट और वोल्टेज का बीच का फेज डिफरेंस जीरो होता है। रेजोनेंस के पहले या रेजोनेंस के बाद कोई ना कोई फेज डिफरेंस होगा, लेकिन रेजोनेंस के टाइम पे करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक, यानी फेज डिफरेंस जीरो होगा। ओके भाई, अब वही है, अगर आप वीएल बड़ा वीसी छोटा तो इन दोनों का रिलेटेड ऊपर और फिर वीआर के साथ ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली देखिए स्टेटमेंट पे गौर किया होगा तो आप बहुत सीख जाओगे, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया, वीडियो को बहुत तो फास्ट भी तो चलाते हैं, कहीं कहीं पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये भी ध्यान देना है। अब मैं बोलूं रेजोनेंस, सर ये कट गया जीरो, आर और आई सेम डायरेक्शन में, सर फेज डिफरेंस जीरो। रेजोनेंस के समय करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस जीरो होता है, यानी सेम फेज में होते दोनों। क्लियर, एलसीआर सर्किट समझ में आ गया? ओके भाई, ओके भाई, मुंडी ऊपर। तो ये हमने आपको एलसीआर सीरीज सर्किट सिखा दिया, घबराने का नहीं, अपन इधर ही छे, अपन इधर ही छे। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन किस पे बात करेंगे? पावर कंजम्पशन इन द एसी सर्किट, सीरीज एसी सर्किट। सीरीज में होगा, पैरेलल वाला हम लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है ना, सीरीज एसी सर्किट बड़े प्यार से। अब देखिए पावर कंजम्पशन इन सीरीज एसी सर्किट, ठीक, तो सीरीज एसी सर्किट में पावर कंजम्पशन बहुत प्यार से सुनिएगा। ये सीरीज सर्किट है, यानी सीरीज ग्रुपिंग है यहाँ पे, घबराना नहीं है, और ये हमारा एसी सोर्स है बड़े मजे से, ठीक। वोल्टेज मान लीजिए वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ओके। करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए करंट का इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई इज द फेज डिफरेंस, ठीक है। आई नॉट इज द पीक करंट, वी नॉट इज द पीक वोल्टेज। अगर कहेगा पावर, तो पावर किसी टाइम पर होगा उस इंस्टेंट पे आई इंटू वी, ठीक है। आई की वैल्यू रखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी की वैल्यू रखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है ना, सॉरी, और v की वैल्यू है v नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो किसी इंस्टेंट पे पावर आ गया, लेकिन हम लोगों से पूछा जाता है एवरेज पावर। क्या पूछा जाता है? एवीजी का मतलब क्या समझना है? एवरेज पावर। अगर एवरेज पावर कहेगा तो इसका मतलब सॉल्व करते हैं एवरेज वैल्यू, कैसे सॉल्व करते हैं एवरेज वैल्यू, पी डी टी 1 सेकेंड में मान लो निकालते हैं, 0 से t टाइम पीरियड के बराबर, 1 सेकेंड का टाइम होता है, 0 से t, और इस पूरे को पी की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने पे पी एवरेज की वैल्यू आएगी फाइनली आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई। दिस इज द एवरेज पावर, दिस इज द एवरेज पावर। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आर एम एस की वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू, वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट बाई रूट टू। आप इसको लिख सकते हैं हाफ आई नॉट वी नॉट कॉस फाई। इस फॉर्मूले को अलग अलग रंगों से रंगा गया है, इस फॉर्मूले को अलग अलग रंगों से रंगा जाता है। पहले पानी तो पी लूं, पहले पानी पी लेता हूं भाई, प्यास लग रही है यार, बोलते बोलते ना। चलो भाई, अरे यार वो हमारा मार्कर भी यार प्यासा है यार। तब तक आप लोग यार वीडियो सब्सक्राइब करो यार, वीडियो सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, वायरल करो, लोगों को दोस्तों को बताओ, भैया दोस्तों को बताओगे तो मेरी वीडियो देखेंगे ना यार, मेरी मेहनत का कुछ तो मतलब रिजल्ट मिले, ठीक है। अगर फायदा होता है तो आप जरूर आगे शेयर करो, ठीक। चलो पी एवरेज, अब इसी में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी एवरेज, ओम्स लॉ लगा दो, आई आर एम एस क्या होता है वी आर एम एस अपॉन जेड, तो आई आर एम एस लिखोगे वी आर एम एस अपॉन जेड इंटू वी आर एम एस है तो स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस फाई याद करो एसी ट्रायंगल, फाई के सामने एक्स, सी आर, कॉस फाई कितना होगा आर बाई जेड, आप आर बाई जेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर मैंने एवरेज पावर ऐसे भी देखा है, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर।
आप पी एवरेज ऐसे भी लिखते हैं, पर कई जगह न्यूमेरिकल में आप ऐसे भी यूज करते हैं, आरएमएस वोल्टेज रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, इंपेडेंस रहेगा, ऐसे कर लो, ठीक है। ये याद रखोगे तो ये तो अपने आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। मजे की बात, मजे की बात, सुनो 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 सुनो, आज सुनो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा पावर सॉल्व करो, ऑलवेज एवरेज पावर बताना है, ठीक है, ऑलवेज एवरेज पावर बताना है, ठीक है, डोंट घबराना वबराना। अब देखो भाई, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहली बात इसमें देखेंगे, ये जो पी एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, तो इस कॉस फाई को हम लोग दरअसल पावर फैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। तो आप ध्यान रखिएगा, पावर फैक्टर का दो फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला? दो फॉर्मूला। अगर पावर फैक्टर कहेगा तो आपको क्या निकालना है? कॉस फाई, या फिर कॉस फाई की वैल्यू क्या होता है? एसी ट्रायंगल से आर बाई जेड। कभी बोले पावर फैक्टर, हो सकता है फेज डिफरेंस मालूम हो 60 डिग्री, तो कॉस 61/2, या हो सकता है रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस मालूम, तो आर बाई जेड कर लेंगे, पावर फैक्टर निकल जाएगा। दूसरी बात बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ चीजें अगर आप ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान रखेंगे उसे, तो कभी गड़बड़ नहीं होगा, वरना रायता तो हर बार फैला है, इस बार भी फैल जाएगा। प्योरली रेजिस्टिव मतलब होता है ओनली रेजिस्टेंस लगा हो तो भी इसे बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव। या जानते हो एक और सर्किट है जो प्योरली रेजिस्टिव हो सकता है, प्योरली मतलब होता है इंडक्टेंस खत्म, प्योरली रेजिस्टेंस मतलब केवल रेजिस्टेंस हो, करंट को रोकने वाला केवल रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर कैपेसिटर ना हो। एक जगह और हो सकता है, पता है क्या? एल सी आर सर्किट में, एल सी, ये एल है, एल सी आर सर्किट में अगर रेजोनेंस हो जाए, यानी ओमेगा की वैल्यू 1/√LC हो जाए, तो पता है इस केस में रिएक्टेंस जीरो हो जाता है। ओनली करंट को रोकने में कौन होता, रोकता कौन है? रेजिस्टेंस। ये भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है। इस केस में देखिए कॉस फाई की वैल्यू ना, मतलब फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है, करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस क्या होता है? 0, यानी कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहां भी रेजोनेंस के समय, बार बार बोला है मैंने, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। कॉस फाई कितना हो जाएगा? 1, है ना, कॉस 0 डिग्री 1। अगर मैं आपसे बोलूं भाई इस केस में एवरेज पावर बताना जरा, सर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस और कॉस फाई तो 1 हो गया सर, इतना ही हो जाएगा। ओम्स लॉ से वी आर एम एस अपॉन जेड कर लेना तो आई आर एम एस हट जाएगा, वी आर एम एस और जेड आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो रहा प्योरली रेजिस्टिव। घबराने का नहीं, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। देखो 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 देखो, गौर से देखो, अरे देखो देखो गौर से देखो। अब यहां पर प्योरली रिएक्टिव सर्किट क्या है? प्योरली रिएक्टिव सर्किट, प्योरली रिएक्टिव सर्किट, प्योरली रिएक्टिव मतलब या तो इंडक्टर हो एल, ओके, है ना, इंडक्टर हो प्योरली रिएक्टिव, या तो कैपेसिटर हो, ओके, वेरी गुड, या इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हो, रेजिस्टेंस ना हो, बस बताओ। यहां फेज डिफरेंस आपको पढ़ाया था 90 डिग्री, कॉस 90 0, पावर फैक्टर खत्म। यहां पर भी फेज डिफरेंस 90, कॉस 90 डिग्री 0, यहां पर भी फेज डिफरेंस 90, कॉस 90 0, और पावर एवरेज पावर फॉर्मूला होता है आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव, फाइव की वैल्यू 90, कॉस 90 0। सर प्योरली रिएक्टिव सर्किट में प्योरली रिएक्टिव है, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए बस, तो ये देखिए इसमें एवरेज पावर 0 आएगा। एवरेज पावर क्या आएगा? 0 आएगा, नो पावर कंजम्पशन, ठीक है। फिर सुनो 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 सुनो, आज तुम्हें सुनना होगा, आज तुम्हें सुनना होगा, ओके। देखो यहां पर ध्यान से, वाटलेस करंट की कभी बात करता है, वाटलेस करंट किसकी बात करेगा? वाटलेस करंट की बात करेगा, तो
देखिए वोल्टलेस करंट में जैसे मान लीजिए ये आई है यानी आई आरएमएस और ये मान लीजिए वी आरएमएस है। फेजर डायग्राम में ही बना लीजिए, सोच लीजिए फेजर डायग्राम बना, आई आरएमएस वी आरएमएस, लो फेजर डायग्राम बना लो, ऐसे जान मत दे देना बस, ठीक है। तो देखिए एवरेज पावर जो होता है वो क्या लिखते हैं आप, क्या लिखते क्या है, आई आरएमएस वी आरएमएस कॉस फाई, यही लिखते हैं ना एवरेज पावर। इसको आप ऐसे करो वी आरएमएस और इनटू आई आरएमएस कॉस फाई। अब जरा गौर से देखो ये जो वेक्टर है आई आरएमएस, ऐसा नहीं लिख रहा इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, जिधर कॉस जिधर एंगल होता है उधर कॉस लगा रहता है, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट साइन में आएगा। ऐसा लग रहा है ना कि ये जो कंपोनेंट है वो तो पावर कंज्यूम कराएगा, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट पावर कंजम्पशन में यूज ही नहीं हो रहा है। तो वॉटलेस का मतलब क्या होता है, वॉट नहीं हो रहा है, वॉटलेस नो पावर, कौन सा वो करंट है जिसके वजह से पावर कंजम्पशन नहीं आ रहा, इसकी वजह से ये रोल प्ले कर रहा है पावर में, यही कंपोनेंट आ रहा है, ये कंपोनेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब दिस इज द वॉटलेस करंट। तो अगर मेरे से कहता है वॉटलेस करंट बताओ, क्या बताओ, वॉटलेस करंट, तो फटाक से बोलना है आई आर एम एस इंटू साइन फाई, बोलो क्लियर, वॉटलेस करंट भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आइए मुंडी ऊपर करें, देखो देखो गौर से देखो, देखो देखो गौर से देखो, बड़े मजे से देखो। अब सुनो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, क्वालिटी फैक्टर भैया, क्वालिटी फैक्टर, इसे आप क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यू फैक्टर, ठीक है। कभी भी क्वालिटी फैक्टर निकालना है तो सबसे पहली बात एलसीआर सर्किट है, इमेजिन करिए क्या है एलसीआर सर्किट, ये हमारा एसी सोर्स है, घबराना नहीं, घबराने का नहीं। अब इसमें आप रेजोनेंस कर्व खींचिए, ठीक है, ये ऐसे इधर की तरफ आई नॉट, ठीक है, इधर की तरफ ओमेगा, कर्व आपने ऐसे खींचा। तो देखिए यहां पर ये जो है ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट से दिखा लीजिए। जब रेजोनेंस होता है तो करंट की पीक वैल्यू, यानी पीक वैल्यू तो दिखानी है जो कि वी नॉट बाई, और रेजोनेंस के समय जेड की वैल्यू कितनी होती है आर, ठीक है। अच्छा अब यहां पर आप देख रहे किसी एक पर्टिकुलर ओमेगा, मैंने माना ये, इस ओमेगा पर आप देख रहे हैं ये वाला एम्पलीट्यूड मिलेगा करंट का, ये एम्पलीट्यूड इधर वाले ओमेगा पर भी मिलेगा, नहीं ओमेगा जैसे मान लो 10 हर्ट्ज है सपोज दैट, अब मान लो 5 हर्ट्ज पे आपको यहां पे मिला 5 एम्पियर, लेट अस सपोज, तो 5 एम्पियर एक और फ्रीक्वेंसी पर मिलेगा, मान लीजिए 8 हर्ट्ज पे, सॉरी 10 से ऊपर है ना, मान लीजिए 12 हर्ट्ज पे, ये तो यहां पे दो फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिसपे करंट का एम्पलीट्यूड सेम होगा, 5 एम्पियर आपको इधर भी मिलेगा और इधर भी मिल रहा है ना, देखो सामने ये जा रहा है ना, यहां भी कट रहा है यहां भी कट रहा है, दो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, क्लियर। अब यहां पर चूंकि हम ग्राफ देख रहे हैं सिमेट्रिक तो है नहीं, सिमेट्रिक तो है नहीं, जरा ध्यान देना, सिमेट्रिक तो है ही नहीं है, ये आधा हिस्सा लेकिन ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहां पर बेसिकली अब मेरे लाइन को सुनना, जो मैं लैंग्वेज जो वर्डिंग बोलने जा रहा हूं उसको सुनना। देखो जिस समय रेजोनेंस होता है उस समय पीक करंट कितना होता है, V0 बाई R, उस समय पावर कंजम्पशन कुछ तो होगा सर्किट में, रेजिस्टेंस लगा है, पावर कंजम्पशन एवरेज पावर कितना लिखते हो, आई आरएमएस वी आरएमएस कॉस फाई। तो जरा कैलकुलेशन करते हैं, आरएमएस आई आरएमएस वी आरएमएस कॉस फाई, और जैसा कि हम जानते हैं रेजोनेंस के समय पावर कंजम्पशन में कॉस फाई कितना होगा, 1 आएगा, है ना, तो सेम फेज में था कॉस डिग्री 1, आई आरएमएस वी आरएमएस, आप इसको ऐसे लिख लो वी आरएमएस का स्क्वायर, और आई आरएमएस की वैल्यू वी आरएमएस बाई आर होगा ना, क्योंकि इंपेडेंस तो आर के बराबर होता है रेजोनेंस के टाइम पर। चलो भाई ये आ गया, दिस इज द मैक्सिमम पावर, रेजोनेंस के समय सबसे बड़ा पावर ही कंज्यूम होगा, ठीक है। अच्छा अब ये वो करंट है, करंट की पीक वैल्यू, जिस समय पावर मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाए, क्या हो जाए मैक्सिमम, जैसे मैंने बोला सर ये 10 वॉट आ रहा है, अच्छा 10 वॉट आ रहा है कंजम्पशन,
तो वो करंट, लो पीक करंट की ऐसी वैल्यू जिस समय मैक्सिमम पावर की हाफ हो जाए, 10 वॉट का हाफ कितना होगा, 5 वॉट। तो जिस पीक करंट पर 5 वॉट मिलेगा, वो करंट की वैल्यू जो होगी वो होगी आई नॉट बाई रूट टू, मतलब पीक करंट जो होगा रेजोनेंस के समय उसका आर रूट टू करोगे, नीचे रूट टू से डिवाइड करोगे, तो आप एग्जैक्टली देखोगे पावर आधी हो जाएगी। अच्छा, पावर आधी हो जाएगी, जब सॉल्व करेगा ना, लो भाई सॉल्व कर दे। इस समय पावर क्या लिखेंगे, आई आर एम एस, वी आर एम एस। और आप बोलेंगे सर ये रेजोनेंस के समय कॉस फाई वन होता है, यहां तो रेजोनेंस है नहीं, तो चलो भाई कॉस फाई। और कॉस फाई जैसा कि मैंने बताया आर बाई जेड, याद करो। अब आई आर एम एस कितना होता है, वी आर एम एस, वी आर एम एस, देखो आई आर एम एस होता है वी आर एम एस अपॉन जेड, होता है वी आर एम एस इंटू वी आर एम एस, वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर बाई जेड। वी आर एम एस की वैल्यू इंटू आर बाई जेड स्क्वायर, बोलो क्लियर, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान दीजिए, जरा गौर से सुनिए, अगर आप देखें तो वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर हमारा पावर है, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे जेड की वैल्यू कैसे हटाएंगे, जरा सोच के देखो, जेड क्या जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जल्दी बताओ। यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर ज्यादा ध्यान देना। ये पहले पॉइंट क्लियर हुआ, P बराबर क्या होता है, इस समय पावर मैं निकाल रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि जब मैं पीक करंट की वैल्यू इतना लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये एक काम करते हैं, पावर को हाफ करते हैं, पीक करंट निकालते हैं, एक मिनट रुको, पावर को हाफ करते हैं, पावर को हाफ करते हैं, है ना, और पीक करंट की वैल्यू इतना देखते आता है कि नहीं आता, ऐसे कर लो। तो पावर इसकी हाफ करो, 1/2 वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर, ठीक है, घबराना नहीं, वी आर एम एस का स्क्वायर बाई आर। क्या हम लोग यहां पर ऐसा कर लो, इसके इसकी वैल्यू आई आर एम एस की वैल्यू में क्या लिखते हैं, या वी आर एम एस की वैल्यू लिख दो, आई आर एम एस, घबराना नहीं, अपन इधर ही छे, वी आर एम एस की वैल्यू लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू जेड इंटू आर वाई जेड, जेड से जेड कैंसिल, क्लियर हो गया। आई आर एम एस का स्क्वायर देखो, आई आर एम एस का स्क्वायर, इस समय आई आर एम एस अलग होगा, है ना, वही मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, वी आर एम एस का स्क्वायर जो कि वी नॉट बाई टू होता है, वी नॉट बाई रूट टू होता है, 1/2 आर, वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट बाई रूट टू, तो वी नॉट स्क्वायर बाई टू, ठीक है, 1/2 आर लिखा वी आर में, और ये आर नीचे डिवाइड में है, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट ले लो, क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई 2 आर, और आई आर एम एस कितना होता है, आई नॉट बाई रूट टू होता है ना, सब कुछ ठीक, सब बढ़िया, वी नॉट बाई 2 आर, और देखो ये कट के रूट टू आ गया ना, वी नॉट बाई आर रूट टू, कंफ्यूज मत होना। इस समय मैक्सिमम पावर, फिर से समझा रहा हूं, रेजोनेंस के समय आर एम एस वी आर एम एस, वी आर एम एस कॉस फाई वन होता है रेजोनेंस के समय, तो वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर कर लिया, क्लियर। अच्छा अब यहां पे इस समय फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी, सोर्स वही है, फ्रीक्वेंसी अलग कर दी मैंने, तो अब पीक करंट की वैल्यू बतानी है ताकि पावर हाफ हो जाए, तो पावर आई आर में वी आर में कॉस फाई आर बाई जेड, क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला। इस समय तो कॉस फाई वन किया था, इस समय कॉस फाई होगा आर बाई जेड। अब पावर इसकी आधी है, इस समय पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, वी आर में स्क्वायर बाई आर, उसका हाफ कर दिया आई आर में, वी आर में हटाना है, वी आर में इस समय पीक करंट निकालना है मुझे जो कि इतना आना चाहिए, तो आई वी आर एम एस की वैल्यू आई आर एम एस इंटू जेड, और आर बाई जेड, जेड से जेड काट दिया, आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस का स्क्वायर 1/2 आर वी आर एम एस का स्क्वायर, और ये जो हमारा वी आर एम एस होता है कितना होता है, वी नॉट बाई रूट टू, जानते ना वी आर एम एस का फॉर्मूला, 2 आर, ठीक है। अब यहां पर देखिए बेसिकली आर नीचे गया तो यही आर लिखा मैंने, अब वी नॉट स्क्वायर, तो आई आर एम एस की वैल्यू कितना है इस समय, वी नॉट बाई 2 आर, तो पीक वैल्यू आई नॉट बाई रूट टू होता है, आई आर एम एस की वैल्यू रूटो से रूटो काट दे, इस पीक की वैल्यू वी नॉट बाई आर रूट टू। खैर ये अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लेना, आसान है, बहुत सिंपल है, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा रिसर्च कर रहा था यार, मेरा मन कर रहा था, कभी कभी थोड़ा ना मन करता है कि थोड़ा मैं कुछ नॉलेज तो आप लोगों पर दिखाऊं कि भाई हमें इग्नोर मत करना, ऐसे कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फ्रीक्वेंसी पर यह हाफ पावर कहलाता है, इस समय जो पावर कंजम्पशन है वो हाफ हो जाता है, पावर कंजम्पशन इज हाफ बिकम हाफ, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं ताकि ये आपसे दिक्कत ना हो। इस समय जो फ्रीक्वेंसी, इसको मैं ओमेगा वन लिख दे रहा हूं,
और ये ओमेगा टू लिख दे रहा हूं, घबराना नहीं। तो पता है इस समय इधर जो ग्राफ है वो बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाती है, क्या हो जाती है, सिमेट्रिक हो जाती है। अगर मैं बोलूं ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट और ओमेगा वन के बीच का डिफरेंस डेल ओमेगा, तो ये भी क्या होगा, डेल ओमेगा। समझ में आ गया, डेल ओमेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। अगर कोई बोले बैंडविड्थ बताओ, तो बैंडविड्थ कितना बताओगे, बैंडविड्थ बताएंगे टू डेल ओमेगा, दिस इज द बैंडविड्थ। लेकिन मुझे तो क्वालिटी फैक्टर चाहिए, तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद है, तो हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला अपॉन बैंडविड्थ, इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। देखो ना ऐसे याद रखो, जितना बैंडविड्थ कम रहेगा उतनी शार्पनेस होगी इस कर्व में, उतनी शार्पनेस हो जाएगी, उतना ही पतला होगा। शार्पनेस मतलब होता है शार्प होना, बिल्कुल है ना त्रिशूल का जो पॉइंट होता है बिल्कुल वैसा शार्प होना। जितना ही छोटा करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो यहां पे क्वालिटी फैक्टर में बैंडविड्थ नीचे याद रखना, बैंडविड्थ कम क्वालिटी फैक्टर हाई। और इसका फॉर्मूला आता है, पहले तो बैंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट से लिख देते हैं, बैंडविड्थ को टू डेल ओमेगा, और सॉल्व करने पे कितना आता है भाई, तो सॉल्व करने पे आएगा ओमेगा एल, ओमेगा नॉट एल बाई आर। ओमेगा नॉट क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या फिर आएगा वन बाई ओमेगा नॉट सी इंटू आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर। जो क्वेश्चन आता है वो रेजोनेंस कर्व याद रखना है, हाफ पावर कंजम्पशन याद रखना है, इस पीक करंट पे यहां जितना पावर कंज्यूम हो रहा है उसका आधा पावर यहां पे कंज्यूम हो जाता है, यह आपको बैंडविड्थ का फॉर्मूला याद रखना है और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है, काम बन जाएगा। तो कैसा लगा आपको, समझ आया, ये था हमारा एसी चैप्टर। पैरेलल पढ़ना नहीं है, सीरीज ग्रुपिंग का पढ़ना है, ठीक है, ओके, थैंक यू।